जो भी श्रोतागण है सभी जोड़े के साथ अपने अपने आसन में विराजमान हो और विराजमान होकर हरि कीर्तन में हम सब प्रवेश करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नाम संकीर्तन की। आइए आज भगवान की कृपा श्री गिरिराज धरण भगवान की कृपा से हम पे हमारे परिवार पर भगवान ठाकुर जी की कृपा भई और ठाकुर जी की कृपा से महाराज हम आज गोवर्धन नाथ भगवान की पवित्र महाराज इस पावन स्थान पे आज श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश कर रहे हैं। तो कथा में प्रवेश करने से पहले सर्वप्रथम एक भाव है, हमारे बीच अतिथि भी पधार गए हैं इंदौर से, सभी अतिथियों को प्रणाम। आइए कथा आरंभ करने से पहले एक भाव है या समर्पण की भावना के लीजिएगा और वो जरूरी भी है। देखिए सर्वप्रथम इस कथा के प्रधान भगवान श्री गोवर्धन नाथ भगवान के चरणों में, श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम, परम पूज्य परम आराध्य चतुर्देव भगवान के चरणों में प्रणाम, स्थान देवता नगर देवता आवाय देवता वासु देवता सभी देवी देवता ने प्रणाम कर पुनः हमारा गोवर्धन नाथ भगवान की राजधरण भगवान के चरणों में प्रणाम, श्री हनुमान जी भगवान के चरणों में प्रणाम करूं, हनुमान जी से विनती करूं, हनुमान जी महाराज आओ अपने आसन पर विराजो,
श्री वेदव्यास जी भगवान के चरणों में प्रणाम कर व्यास जी से प्रार्थना करूं आप व्यास पीठ पे पधारे। परम पूज्य परम आराध्य श्री सतगुरुदेव श्री सुखदेव महामुनि के चरणों में प्रणाम। इस कथा के प्रधान यजमान श्री परीक्षित जी महाराज के चरणों में प्रणाम। सुध जी महाराज नेमि शरण में विराजमान 88,000 संत के चरणों में प्रणाम। और माँ वाणी माँ सरस्वती ने हृदय से प्रणाम करूं। आचार्य ब्राह्मण और संत देवता के चरणों में प्रणाम। साज और साचर बिठा भाई लोगों प्रणाम। इस कथा के प्रधान यजमान आदरणीय बाबूजी श्री प्रियव्रत जी शर्मा जी सारस्वत साहब एवं आदरणीय भैया श्री सत्यव्रत जी शर्मा सारस्वत साहब और समस्त सारस्वत परिवार आप सभी को प्रणाम। जो भी इंदौर से अतिथि आदरणीय भैया श्री किरण जी शास्त्री जी आदरणीय प्रशांत भैया आदरणीय हरिओम जी आदरणीय करण भैया आदरणीय झाबा वाले भैया और सभी सभी को आप सभी भक्तों को प्रणाम। आप सभी को जय श्री कृष्ण राधे राधे। कथा आरंभ करने से पहले एक भाव है कि महाराज देखो जी एक बार सभी बोलेंगे राधे राधे। देखो उम्र में अनुभव में ज्ञान में भक्ति में हर प्रकार से मैं आप सबसे छोटा हूं और ना ही मेरी वाणी रसीली है और ना ही मैं वाक्य रचना में कुशल हूं। उम्र के साथ महाराज जो अनुभव होता है ना उसमें मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। तो इस छोटे से मुख से भगवान की कथा अथा सागर है महाराज। तो इस सागर को महाराज इस छोटे से मुख से कहना असंभव है। पर हमने सुना है जहां भक्तों का संग होता है जहां सत्संग होता है वहां महाराज भगवान विराजते हैं और जहां भगवान विराजते हैं वहां अधूरा भी पूरा हो जाता है महाराज। तो यहां इस कथा में इन 7 दिनों में महाराज हमसे कोई चूक हो तो घर का बालक समझ के क्षमादान करें। आइए हम सब भाव से कथा में चलें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा में श्री वेदव्यास जी महाराज ने सबसे पहले प्रणाम किया है सत्य को सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्रणाम। देखो महाराज सत्य चित आनंद स्वरूप उस परमात्मा का है। अच्छा एक बात बताओ आप लोग भगवान कहाँ है। हम सोचते हैं भगवान कहाँ है भगवान कहाँ है भगवान कहाँ है पर एक ही बात है महाराज जहां सत्य है वहां भगवान है। भले ही उसके साथ कोई है या नहीं है पर जहां सच्चा है जहां सत्य है उसके साथ भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप है परमात्मा सत्य में है। दुनिया चाहे सत्य में हो या ना हो पर भगवान चार भुजा नाथ सत्य में है। सच्चिदानंद उसका स्वरूप कैसा है सत्य ही परमात्मा है। सच्चिदानंद रूप आए आनंद महाराज। ये जीवन की भौतिक वस्तुओं से महाराज कुछ हम सुख भोगते हैं कुछ दुख भोगते हैं। कभी मिल जाती है अपने आप को सुखी मान लेते हैं चली जाती है तो अपने आप को दुखी मान लेते हैं। पर महाराज नहीं उसमें भगवान है बोले उसमें नहीं भगवान कहाँ है बोले भगवान तो परमानंद में है। भगवान कहाँ है बोले एक ऐसा आनंद जिसकी अनुभूति करने के बाद जिसको पाने के बाद फिर सुख दुख की परवाह नहीं होती फिर तो सच्चिदानंद में जीव खो जाता है। उस सच्चिदानंद की महाराज सबसे पहले तापत्रय विनाशाय संसार के तापों को जो हरण करता है इस संसार की भौतिक चीजों से जो हम सुखी दुखी होते हैं महाराज उन सारे दुखों को उन सारे कष्टों को जो हरण करता है उस परमात्मा योगेश्वर कृष्ण को सबसे पहले प्रणाम है। सच्चिदानंद स्वरूप विश्वपत्या वो परमात्मा कौन है बोले वो परमात्मा जिस परमात्मा को महाराज महल में स्वर्ण द्वारिका में रहने के बाद भी महाराज 16,108 पटरानियों के साथ रहने के बाद भी परमानंद में था और महाराज यदुवंश को शाप लगने के बाद भी वो परमानंद में था। वही परमात्मा जब पिताजी ने कहा कल तुम्हें राजा बनाया जाएगा चक्रवर्ती के सिंहासन पे बिठाया जाएगा और महाराज तब जो महाराज उनका भाव था जैसे ही उनसे कहा कि कल तुम्हें वनवास सुबह वनवास हो जाएगा फिर भी राम जी के जो मुख पे प्रसन्नता थी वो आनंद महाराज ना तो हमें कोई वैभव कोई पद महाराज जो हमें
सुख दे सके और महाराज उसको खोने का ना हमें दुख हो सके, उस परमानंद, उस स्वरूप, उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रणाम। बोल सच्चिदानंद स्वरूपाय भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। चाहे एक बात बताओ, आप लोगों से कोई कहे कि भाई आप हमारा घर जिमने आ जाओ, आपसे कोई कहे कि भाई आप मेरे यहाँ जिमने आना, और आप जिमने जाओ और जिमने जाओ, और वो तो कह दे कि भाई भोजन खत्म हो गया, कैसा लगेगा? फिर तो बुरा ही लगेगा। मैंने बुलाया ने रोटी नहीं खिला दी, हम गए 11 बजे भोजन की भूख लगी और फिर भोजन करने गए, उसने मना कर दिया, तो फिर बुरा तो लगेगा, गुस्सा भी क्रोध भी आएगा। पर महाराज यहाँ कहा गया है एक भोजन की बात नहीं है, उन्हें कहा गया है कि आपको चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन पर बिठाया जाएगा, और फिर जब महाराज वो समय आया तब कह दिया कि आप तो वन में चले जाओ। फिर भी महाराज उनके मुख पर जो प्रसन्नता थी, उस परमात्मा राम को प्रणाम। तो यहाँ हम सब सौभाग्यशाली हैं साहब कि महाराज गिरिराज जी के पवित्र धरती पे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं साक्षात परब्रह्म योगेश्वर पधारे थे, उस धरती पर हम आज आकर बैठे हैं। और ये शारदसत परिवार महाराज, आप लोग महाराज, बच्चा होता ना, बच्चा गुल्लक रखता है, गुल्लक आप लोग जानते होंगे, गुल्लक में कोई भी अतिथि आएगा उसे 5 रुपया 10 रुपया जो भी देगा वो गुल्लक में ले जाके रखेगा, थोड़ा 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 इकट्ठा करेगा, और जब मेला लगता है ना तब उस गुल्लक को खोलता है महाराज। कब खोलता है? वो थोड़ा 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 थोड़ा, कोई भी अतिथि आया, मामा जी आया, बुआ जी आया, समझ में आ रही बात नहीं आ रही? आ रही है ना, थोड़ा थोड़ा बुआ जी साहब, मामा जी साहब, जो भी अतिथि आते हैं वो सब कुछ ना कुछ देख के जाते हैं, तो वो बच्चा उस गुल्लक में उसको डालता है, और जब मेला आता है तो उस गुल्लक को खोलता है और महाराज उससे मन चाही चीज पा लेता है। पर महाराज हमने भी, शारदसत परिवार ने भी महाराज कोई पुण्य जोड़ा होगा, पुण्य की गुल्लक में थोड़ा 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 पुण्य इकट्ठा करा होगा आप लोगों ने, और वो पुण्य इकट्ठा करा होगा तो गिरिराज धरण भगवान गोवर्धननाथ की कृपा हुई, और महाराज इस मेले में हम, इस कथा में हमें कथा मिल रही है महाराज। बिना पुण्य से भगवान की कथा, महाराज भगवान का नाम या भगवान की ओर जाने का विचार, व्यास जी भागवत में कहते हैं कि महाराज कथा सुनने से क्या फल, कथा सुनने से कल्याण हो जाता है, श्री वेद व्यास जी महाराज ने कहा है, सुत जी महाराज ने कहा है, महाराज ये श्रीमद् भागवत पुराण कह रही है, ये भागवत कथा कह रही है कि महाराज जो भागवत कथा में जाने का अगर विचार भी मन में आ जाए तो समझो बेड़ा पार हो जाता है। विचार भी मन में आ जाए कि कथा में जाना है, कथा करवाना और भगवान के धाम में करवाना, फिर तो महाराज सोने पे सुहागा हो जाता है। तो महाराज यहाँ तो ये शारदसत परिवार के महाराज आप धन्य हैं, बाबू जी आप धन्य हैं, भैया धन्य हैं, भाभी जी और धन्य हैं, काकी जी धन्य हैं, काका साहब धन्य हैं, कंवर साहब धन्य हैं, दीदी आप सभी लोग धन्य हैं कि आप सब लोग महाराज हमारा पुण्य, वो पुण्य की गुल्लक भर गई होगी, और पुण्य की गुल्लक भर गई होगी तो उस पुण्य की गुल्लक के बदले भगवान ने हमें गोवर्धन नाथ जी में कथा करने का सौभाग्य दिया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। यहाँ ये भाव से महाराज हम भी सौभाग्यशाली हैं कि हमें आप लोगों ने बुलाया और यहाँ कथा गाने का अवसर प्रदान किया, क्योंकि महाराज बिना हरि की कृपा इस धरती पे आना भी संभव नहीं है। और यहाँ पुनः महाराज इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए जो इंदौर से शास्त्री परिवार और वैष्णव परिवार जो पधारे हैं, आप भी महाराज बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप कथा के महत्व में, आपको कथा दर्शन तो मिले ही मिले और फिर महाराज प्रारंभ में आपको कथा मिल रही है, महाराज आप भी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। सभी को प्रणाम, जय श्री कृष्णा। आइए महाराज, कथा कब हुई, कथा क्यों होती है, कथा की आवश्यकता कब होती है, कथा कौन सुनता है, ये सारे प्रश्न महाराज। अच्छा प्रश्न होगा, कुछ जानने की जिज्ञासा होगी तो कथा सुनेंगे ना, कथा क्यों सुनेंगे, कुछ जानना है किसी के, मतलब महाराज सत्य को जानना है। और यहाँ 88,000 संत एकत्रित हुए नैमिषारण्य में, और 88,000 संतों ने श्री सुत जी महाराज प्रधान गादी पर विराजमान है, उनसे जानना है, किसी के बारे में जिज्ञासु महाराज, पाने की प्यास लगे तो फिर पानी पीने की इच्छा हो ही जाती है, वैसे ही भगवान को पाने की जिसके मन में प्यास होती है ना महाराज, वो 88,000 संतों ने सुत जी महाराज से पूछा कथितो ब्रह्म जिज्ञासु, प्रश्न है ब्रह्म कौन है, ब्रह्म कौन है। और ये प्रश्न कब आएगा, ये प्रश्न तभी आ सकता है महाराज जब जीव की बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि महाराज भ्रम से हटेगी तभी वो ब्रह्म को प्राप्त हो पाए, भगवान को जो ब्रह्म है उनको जान सकता है महाराज। अगर ब्रह्म में है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म है मेरा घर,
ब्रह्म है मेरी नौकरी, ब्रह्म है मेरा परिवार, ब्रह्म है मेरे बच्चे, ब्रह्म है महाराज मेरी मेरे मित्र, ब्रह्म है ये संसार। ये ब्रह्म से जब महाराज वैराग्य उत्पन्न होता है, नहीं ये तो ब्रह्म है, ये तो झूठा है, ये सच्चा कौन है? जब महाराज हम सोचते हैं ना कि तो झूठा है, सच्चा कौन है, उसको मुझे जानना है। जब महाराज सच्चे को सत्य को जानने की इच्छा मन में उठती है, तभी लोक कथा में आकर बैठते हैं कि सत्य कौन है, तभी वो कथा में मिलता है कि सत्य योगेश्वर कृष्ण है महाराज, सत्य परमात्मा कृष्ण है, सत्य ये गिरिराज धरण भगवान महाराज, ये परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब बोलो राधे राधे। वो कहते हैं ना सारी उम्र गुजार दी इस घर में कि चार लोग क्या कहेंगे, सारी उम्र गुजार दी कि चार लोग क्या कहेंगे, और आखिर में चार लोग कहते राम नाम सत्य, और सत्य बोले सत्य भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं महाराज, क्योंकि हमसे पहले भी कितने चले गए, हम हमारे बाद भी कितने चले जाएंगे और हम भी चले जाएंगे, पर हमसे पहले पहले भी वो था, आज भी वो है और बाद में भी वो रहेगा। वो परम सत्ता परमात्मा की कौन है महाराज, उसके बारे में मुझे बताइए। सुजी महाराज से पूछा गया वो परमात्मा कथितो ब्रह्म जिज्ञास, और महाराज ये प्रश्न सुनना, मनुष्य जीवन मिल जाना, जब जीव महाराज 84 लाख में भटकता है ना, सुजी कहते हैं कबीर जी ने कहा है कि 84 घर मरम के मोह पे अटकी आए, और अब की भी जो ना बढ़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनियां पार करने के बाद मनुष्य को महाराज ये शरीर मिला है, क्यों? घर बनाने के लिए, गाड़ी लाने के लिए, क्यों मिला महाराज? सुजी महाराज कह रहे हैं, ये भागवत कथा कह रही है, 84 लाख योनियां पार करने के बाद कौन कौन से जलजात में लक्षणी स्थावरा विशंति महाराज, पानी में रहने वाले 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, क्रम्यारण्य एकादश्य महाराज 11 लाख, कीट कंकड़ पक्षीणाम 10 लक्षणाम 10 लाख पक्षियों की योनियां, और उसके बाद भी महाराज जब 84 लाख को पार करने के बाद आखिरी में मिलती है महाराज कौन सी, मनक बनाए भगवान, क्यों? कि भाई 84 लाख पार कर दिए, अब इसमें तू भजन करना और मेरे दरवाजे, ये मनुष्य देह बैकुंठ का दरवाजा है, मनुष्य देह बैकुंठ का दरवाजा है, 84 लाख 84 घर मर्म के मोह पे अटकी आए, और अब की बीजो ना बढ़ू फिर 84 जाए, हम बैकुंठ के दरवाजे खड़े हैं। और जो भागवत महाराज कहते हैं बैकुंठ के दरवाजे से, अच्छा एक बात बताओ, जंक्शन समझते हो, जंक्शन रेलवे स्टेशन पे जंक्शन बोलते हैं, कोटा जंक्शन, मथुरा जंक्शन है ना, आपके आगरा जंक्शन, जैसे आप लोग इंदौर से बैठे तो इंदौर जंक्शन है ना, तब जंक्शन अर्थात 84 लाख जंक्शन, कितने जंक्शन? 84 लाख जंक्शन, 84 लाख गाड़ी बदल दी, 84 लाख गाड़ी बदलने के बाद मनुष्य रूपी जंक्शन पे आकर खड़े हैं, मनुष्य रूपी जंक्शन पे आकर खड़े हैं, और मनुष्य रूपी जंक्शन से बैकुंठ जाने वाली गाड़ी में बैठे हैं, और सही गाड़ी में बैठ गए, भले देर से पहुंचेगी पर सही गाड़ी में बैठ गए, भले देर से पहुंचे बैठना तो पड़ेगा ना, अगर सही गाड़ी में बैठ गए तो समझो महाराज बैकुंठ पहुंच जाएंगे, और गलत गाड़ी में पहुंच गए तो फिर यहाँ ऐसा नहीं है कि वापस आ सकते हैं, यहीं फिर तो वो 84 वापस पार करके आना पड़ता। और यहाँ कहा गया है भागवत कथा कहती, भवेस्मि क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म। महाराज सुजी महाराज से सोनकादिक ऋषियों ने पूछा कि जब मनुष्य देह मिल गई है वो तो मुक्त हो ही जाएगा, जिसको मनुष्य भगवान ने बना दिया है वो तो मुक्त हो जाएगा। श्री सुजी महाराज कहते हैं भाई बड़ा सरल नहीं है, बड़ा कठिन है मुक्त होना, हर कोई मुक्त नहीं हो पा। अच्छा नींद आ रही है क्या? लग रहा है सर, ठंड लग रही हो तो बोल देना, पर नींद आ रही हो तो कोई बात नहीं, वैसे दुनिया का कोई सा भी काम करो नींद नहीं आएगी। नहीं नहीं आपसे नहीं बोल रहे हैं बड़ा सर, आपने देखा होगा दुनिया का कोई सा ही काम करो आप, रोटी बनाओ, टीवी देखो, कोई भी काम करो आप, कभी नींद नहीं आएगी, पर कथा में जाके बैठो आप, या महाराज कथा में नहीं तो माला लेके बैठो आप, एक माला ले लो, माला लेके बैठो, एक माला दो माला तीसरी में तो कह देगा बस अब तुम्हारी नींद आ रही। तो महाराज आचार्य कहते बोलो राधे राधे। सूजी महाराज हम मनुष्य रूपी जंक्शन पे आकर खड़े हैं, और मनुष्य रूपी जंक्शन से अगर हम सीधे चल गए तो सीधे चले जाएंगे तो बैकुंठ का दरवाजा परमात्मा मिल मुक्त कर देगा। पर महाराज ये माया बड़ी प्रबल है, ये काल पुरुष बैठा है कुठार लेके, महाराज ये माया बड़ी प्रबल है, ये महाराज उस सत्य को जानने ही नहीं देती। महाराज जिस पर भगवान कृपा करते रामचरित मानस में महाराज गोस्वामी जी ने लिखा है बिनु सत्संग विवेक न होई, हमें कब पता लगेगा कि दुनिया झूठी सच्चा परमात्मा है? महाराज बिनु सत्संग, सत्संग के बिना हमें वो बात पता ही नहीं लगेगी, हमें विवेक जाग ही जान ही नहीं पाएगा। पर महाराज
राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जिन भक्तों पर राम की कृपा हो जाती है वो जान जाते हैं, और जो जान जाते हैं वो भगवान को पा जाते हैं। यहाँ श्री सुजी महाराज ने 88 हजार संतों से जब महाराज पूछा है सुनकादिक ऋषियों ने, गुरु जी कथित तो ब्रह्म जिज्ञास है, वो भगवान कौन है, वो परमात्मा कैसा है, वो परमात्मा कहाँ है, कुरुवंश में कौन राजा हुए और किस वंश में परीक्षित जी हुए, परीक्षित जी तो किस प्रकार ग्रास ने मारा सर्प ने डसा था और उसे ग्रास किया था, और उनका कल्याण कैसे हुआ। हमने सुना है कि महाराज जो जल में डूब के मर जाता है, जिसको सर्प डस लेता है, जो स्त्रियों के हाथ से मर जाता है उसकी गति नहीं होती, जिसको सर्प डस लेता है, जिसके महाराज पानी में जो डूब के मर जाता है या स्त्रियों के हाथ मर जाता है उसकी गति नहीं होती। पर यहाँ तो आपने कहा था कि गुरुदेव एक एक ऐसा पुराण है, ऐसी कथा है, ऐसा सत्संग कि जिसको सुनने के बाद महाराज जिसको सर्प ने डसा है उसको भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। महाराज कौन सा पुराण था, और जैसे ही कहा तो आइए इस कथा को सबसे पहले कहने वाले प्रधान वक्ता कौन हुए, इस कथा को श्री सुजी महाराज से शुनकादिक ऋषियों ने पूछा। सभी बोलेंगे राधे राधे। यहाँ एक समय देवर्षि नारद ने माता पार्वती से कहा, प्रेरित किया कि आप महादेव जी से कभी अमर कथा सुनी है आपने, बोले नहीं सुनी। तो बोले पूछना महादेव जी से कि महादेव जी आपके गले में जो मुंड माला है किसकी है, और वो फिर अमर कथा आपको सुनाएंगे। आवाज सही आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है, समझ में आ रही है, बोलो राधे राधे। यहाँ महाराज एक समय की बात है, श्री सुजी महाराज कहते हैं कि माता पार्वती महादेव जी से पूछती है, महादेव हमने कई देवताओं को देखा है पर महाराज सभी देवताओं पे क्या बात, जय बहुत बहुत धन्यवाद कवर साहब के। परिकाधीश भगवान की जय। वैसे आप सबसे एक और विशेष बात कह दें, भगवान की कृपा, ठाकुर जी की कृपा से, गिरिराज धरण भगवान की कृपा से, ये गिरिराज जी की जो गोवर्धन नाथ भगवान की जो पवित्र, ये कृष्ण भगवान की जो भूमि है ना, इस कथा में जो आज कथा आरंभ हो रही है, इस कथा में भगवान की कृपा, ठाकुर जी की कृपा से 121वीं कथा आरंभ हो रही है। ठाकुर जी की कृपा है, और ठाकुर जी की कृपा से बहुत ही महाराज ये बड़ी आप सारस्वत परिवार का प्रेम महाराज, ये आपका महाराज निमित्त और ठाकुर जी की कृपा मानो कि ये 21वां नंबर सोवा नंबर उज्जैन में महाकाल अवंतिकापुरी में शिव पुराण से हुआ था, और 21वां नंबर गोवर्धन नाथ भगवान की कृपा से हो रहा है महाराज। राधे राधे, भाव से राधे राधे। यहाँ महाराज बड़ा सुंदर श्री सुजी महाराज वर्णन करते हैं, और हिमाचल महाराज कैलाश शिखर पे माँ पार्वती महादेव जी से पूछ रही है कि देवता मारे एक बात बताओ कि कोई देवता जाने कमल के पुष्प की माला धारण करते हैं, और कोई देव महाराज किसी पुष्प की, कोई किसी पुष्प की, पर महादेव जी जाने छेक कहीं आओ, महादेव आप कैसे हैं जो मुंड माला धारण करते हैं। महादेव जी ने कहा भाई मुझे मुंड बड़े प्रिय हैं, इसलिए मैं मुंड माला धारण करता हूँ। बोले महादेव ये मुंड किसके हैं जो आप मुंड माला धारण करते हो, आपको ये प्रिय हैं, तो महादेव जी ये मुंड किसके हैं जो आपको इतने प्रिय हैं। और जैसे ही पूछा तो महादेव जी कह रहे देवी मैंने जितने मुंड माला धारण कर रखी है ना, जितने मुंड धारण कर रखे ना, उनमें सारे के सारे मुंड तेरे हैं। किसके हैं? पार्वती जी के जने सारा का सारा ही मुंड मेरे। बोले हाँ, तो महादेव जी जने इतना, बोले हाँ इतना सारा, इतना जन्म हो गया, बोले हाँ इतना जन्म हो गया। पार्वती जी बोली महादेव इतना सारा जने मारा है, मैं एक दो आपका भी होना चाहिए, एका तो इतना सारा जन महाराज जन्म हो गया तो भैया एका तो आपको भी होगा। महादेव जी बोले मैं अजन्मा, मैं अखंड हूँ, मैं अनंत हूँ, निराकार हूँ, जन्म हो जाने छोड़ना पड़े शरीर, इसको शरीर मिला है मिट्टी का उसको छोड़ना पड़ेगा, इसका जन्म ही नहीं हुआ है, तो अजन्मा है महाराज। और जैसे ही कहा अजन्मा है तो माँ पार्वती कह रही आपने कौन सी दवा खा रखी,
आपने कौन सी जड़ी बूटी खा ली कि महादेव जी आप अमर हो गए? तो महादेव जी कहते हैं मेरे पास एक ऐसी दवा है कि जिसको पान करने के बाद, जिसको धारण करने के बाद जीव अमर हो जाता है। बोले वो क्या है? बोले वह तत्व की कथा, अमर तत्व की अमर कथा। और जैसे कि अच्छा अमर कथा सुन रखी है आपने, बोले हाँ। तो पार्वती जी के में कि महादेव जी आपको पता है अमर कथा, आप जानते हैं, और आपके साथ में रही। महादेव जी मेरा इतना जन्म हो गया और इतना जन्म महाराज मेरा इतना मुंड आपने धारण कर लिया, पर महादेव जी आपको एक बार भी मेरे ऊपर दया नहीं आई। जब आपको अमर कथा पता थी तो आपको जब अमर कथा पता थी आपको वो दवा पता थी तो महादेव जी आपने वो मुझे नहीं सुनाई। अगर मुझे सुना देते तो मैं भी अमर हो जाती। महादेव जी बोले पार्वती जी यह बात मत बोलो आप। क्यों? बोले मैंने हर जन्म में तुझे कथा सुनाने का प्रयास किया, हर जन्म में तुझे कथा सुनाने की कोशिश की, पर पार्वती तूने सुनी नहीं। अगर तू सुन लेती तो तू भी अमर हो जाती। ये तेरा पार्वती, कभी तू शैलपुत्री बन के आई, कभी ब्रह्मचारिणी बन के आई, कभी कुष्मांडा बन के आई, कभी सिद्धिदात्री बन के आई, कभी महागौरी बन के आई, कभी कालरात्रि बन के आई, और पिछले बार तू सती बन के आई थी। सती बन के आई जो देवी में तुझे कुंभज ऋषि के पास कथा सुनाने लेके गया। और महादेव ज्ञान के सागर है, महादेव ज्ञान के सागर है, कथा किससे सुनने गए? कुंभज, कुंभ का अर्थ क्या होता है? घड़ा। सागर घड़े के पास जाता है, घड़ा सागर के पास जाता है, घड़ा सागर के पास जाता है। पर यहाँ ऐसा क्यों है? बोले जब कथा सुनने जाए श्रद्धा लेके जाए। क्या श्रद्धा? वानम लभते ज्ञानम, जिसके श्रद्धा होगी उसी को ज्ञान मिलेगा, नहीं तो कहते। अब महादेव जी जब लेके गए थे माता सती को, तो महादेव जी जब गए तो माता सती गई साथ में तो गई थी, पर महादेव जी ने प्रणाम महाराज, जैसे हम किसी के यहाँ भी जाए अगर कोई अतिथि आए तो हाथ जोड़ेंगे ना, आओ साहब पधारो साहब। और यहाँ तो महादेव जी माँ सती आई, कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि ने देखा कि महादेव माँ अम्बा आई है, प्रणाम किया। और प्रणाम किया गुरु जी कथा कहने लगे, तो भी सती माता का मन में विचार आ गयो, जो महाराज थोड़ी देर पहले तो मुझे प्रणाम कर रहा था, अब ये महाराज मुझे क्या कथा सुनाएगा? ये महाराज तुम्हारे से छोटा है। और जब अभिमान आ जाता है तो कथा असर नहीं करती। जब श्रद्धा होती है, नहीं हम सुनेंगे कुछ तो मिलेगा। और महाराज जब ये सब भावना, जब श्रद्धा होगी ना, वो कहते ना कबीर जी ने कहा है ना कि एक होता है सूप और एक होती चलनी। सूप और चलनी, सूप का स्वभाव है अच्छा अच्छा रख लेगा बुरा बुरा, और चलनी महाराज जिसको आनंद लेना है कहीं भी ले लेगा महाराज। और जिसको हमारे मालवा में कहते हैं कि कथा सुनने तीन लोग जाते हैं, एक तो श्रोता, एक सरोता, एक सोता। कितने तरह के लोग जाते हैं? तीन तरह के। एक तो श्रोता, कथा सुनेगा, कथा से मतलब लाइट जा रही नहीं आ रही, नहीं आ रही कोई मतलब नहीं, ठंड लग रही नहीं लग रही, धूप लग रही नहीं लग रही कोई मतलब नहीं, कथा सुनना है अच्छी चीज धारण करना, ये श्रोता। और कुछ लोग सोता, घर में बहु बच्चे सोने नहीं देते, बढ़िया कथा में जाओ खंबे के टीके होके बैठ जाओ, सो जाओ, कोई परेशानी नहीं। और तीसरा सरोता, सुना नहीं सुना, और अरे वहां तो व्यवस्था नहीं थी, अरे वहां तो आवाज नहीं आ रही थी, अरे वहां तो ऐसा कहा ही नहीं है, छोड़ दिया। होते ना तीन तरह के लोग। तो यहाँ महाराज श्रद्धा वानम लभते ज्ञानम, श्रद्धा जिसके होगी महाराज, जो सुनना वाला, जो जानने के लिए इच्छुक बैठा, जो रसिक बैठा है, वो बस सुनेगा। और यहाँ माँ सती, महादेव जी कह रहे हैं पार्वती तू सती बन के ही गई आई थी, और सती बन के आई थी, कुंभज ऋषि के यहाँ में लेके गया था, पर थारा मन में अभी अभिमान आ गया, तो ये महाराज तो मार से छोटा है, मारे प्रणाम करे, मैं तो जगत जननी हूँ, जगदम्बा हूँ, मुझे क्या कथा सुनाएंगे। पर माता सती ने ये नहीं देखा कि जगत पिता परमात्मा भी कथा सुन रहा है, ये नहीं देखा। पर महाराज माता सती के जब अभिमान था उस समय आचार्य ऐसा कहते हैं कि सती, महादेव जी ने कहा पार्वती तू सती बन के आई थी तब भी महाराज तुझे कथा सुनाने का प्रयास किया, पर तूने सुना नहीं देवी, और जब नहीं सुनी इसीलिए तू पार्वती बन के आई। महादेव जी माँ पार्वती हाथ जोड़ रही है, महादेव जी क्षमा कर दो मेरे अपराध, और महादेव जी अब सुना दो। नरसिंह भगत ने तो कहा है ना, बलू थयोत भागी जंजाल सुखसु बसु श्री गोपाल, जब हमें पता लग जाए कि परमात्मा को भजना है
उस समय से ही महाराज ऐसा नहीं कि शाम को बजना या शुरू सुबह बजना शुरू करेंगे, जब मन में विचार आ जाए कि बस परिक्रमा करना है तो उसी समय शुरू कर देना चाहिए। जब विचार आ जाए कि भजन करना है तो सोचना नहीं कि बाद में करना, उसी समय शुरू कर देना चाहिए भजन भी। और महाराज यहाँ माँ पार्वती ने कहा, महादेव जी कोई बात नहीं, 52 जन्म चले गए, कितने जन्म, 52 जन्म चले गए। माँ पार्वती हाथ जोड़ रही है, महाराज इतना जन्म चला गया, अब आप भी सुना दो कथा। और महाराज महादेव जी माँ पार्वती को कथा सुनाना आरंभ करते हैं तो एक त्रिशूल, महाराज त्रिशूल की परिक्रमा करवाई, महादेवी ने 3 तालियां बजाई। कितनी ताली क्यों बजाई? पहली ताली में महाराज सब पशु पक्षी कोसों दूर चले गए। यहाँ माँ पार्वती ने पूछा, भाई इनका भी कल्याण हो जाता? तो महादेव जी ने कहा, नहीं, पात्र को सुनाएंगे, को पात्र को, जो पात्र होगा उसी को ही मिलेगा। और यहाँ कहा है, पहली ताली में सभी पशु पक्षी कोसों दूर चले गए, दूसरी ताली में जहाँ महादेव माँ पार्वती विराजमान थे वहाँ एक वट वृक्ष था, एक वृक्ष में एक घर होता है, कोचर समझते हो आप लोग, एक पेड़ में एक जहाँ महाराज पेड़ के तने में जो पक्षी, हाँ समझ लो आप, वो पक्षी जहाँ घर कर ले, महाराज वहाँ ऐसा एक कोचर था। और उसमें एक शुक, महाराज शुक जिसे कहा जाता है तोता, शुक का परिवार वहाँ महाराज रहता था। जैसे ही ताली बजाई सभी पक्षी पशु सब दूर चले गए, पर वहाँ शुक का अंश महाराज, समझ रहे, अंश रह गया। और जब महाराज दूसरी ताली बजाई तो उसमें प्राण आ गए, और महाराज ने तीसरी ताली बजाई तो वो शुक प्रकट हो गया महाराज। अब कथा शुरू महादेव जी करने लगे, माँ पार्वती से कहा, देख देवी कथा 2 तरह से होती है, एक तो कथावाचक कथा कहे और सुनने वाला समझे, यानी महाराज यो महाराज यो समझे श्रोता, हाँ समझ रहे। अब दूसरी कथा होती है कथावाचक कथा कहे और सुनने वाला हुकारा दे, मतलब हामी भरे, हुकारे समझते, हाँ जैसे कोई कहानी जैसे बचपन में सुनाती दादी तो का हुकारा जाने देता तो बढ़िया लगती, तो नहीं भाव हो। महादेव जी बोले, देवी कौन सी कथा सुनेगी, या हुकारा वाले की बिना महाराज सादी कथा सुनेगी? मैं पार्वती बोली, बिना हुकारा में 52 जन्म चल गया, अभी तक मैंने हामी नहीं भरी, और हामी भरती तो मेरा कल्याण हो जाता, बिना हामी से प्रभु मेरे 52 जन्म चले गए हैं, हे महादेव कृपा करो, अब तो मैं हामी भरूंगी आप कथा कहना। और महाराज सुनना, कथा में आकर बैठ भी गया, पर बैठने के बाद भी जो भगवान की जिस पर कृपा होगी वही सुन पाएगा, बाकी तो कथा शुरू हुई और महादेव जी कथा कहने लगे, और महादेव जी कथा कहने लगे, पार्वती मैया सुनने लगी, प्रथम स्कंद सुनाया, बड़े भाव से सुना, हाँ हुकार हामी भर रही है। अब सुनना साहब, यहाँ माँ पार्वती भी कथा सुन रही है, और वहां उस कोचर में उस पेड़ में बैठा कौन, एक शुक भी कथा सुन रहा है, एक तोता भी कथा सुन रहा है। कथा अंतर नहीं करते कि छोटो सोए तो नहीं सुनाएंगा, और ये बड़ा है तो इसको ही सुनाएंगे, कथा अंतर नहीं करते कि ये गरीब है तो इसको नहीं सुनाएंगे, ये अमीर है इसको सुनाएंगे, नहीं, जो कथा सुनेगा कथा धारण करेगा कथा उसका बेड़ा पार करेगी, चाहे गरीब हो चाहे कोई भी हो। महाराज यहाँ कहाँ सुखदेव जी और कहाँ जगदम्बा, कहाँ शुक महाराज और कहाँ अम्बा भवानी दुर्गा। और महाराज जब ऐसा कहा है तो माँ पार्वती कथा सुन रही है, शुक भी कथा सुन रहा है, पहला स्कंद सुना, पहले स्कंद तक हामी भरी, हाँ ये हुआ, हाँ ये हुआ, माँ महादेव जैसे कहने गए सब सुना, दूसरा स्कंद सुना, तीसरा स्कंद सुना, चौथा महाराज, पांचवा, 6, 7, 8, 9 और 10वें स्कंद में जैसे ही कृष्ण कथा शुरू हुई महाराज पार्वती मैया सो गई। कब सोई? 10वें स्कंद। और सुखदेव जी महाराज शुक ने सोचा, जाने देवी सो गई है और देवी जी सो गई है और हामी बंद हो जाएगी, उकारा बंद हो जाएगा, तो महादेव जी कथा कहना भी बंद कर देंगे, कथा तो सुनना है चाहे कुछ भी हो जाए। और महाराज उस भगवत कथा से, उस सत्संग से, हरि की महाराज उस नाम से और शिव की कृपा से सुखदेव जी माँ पार्वती की आवाज में हामी भरने लगे, कथा सुनना है कैसे भी हो। और हामी जब पार्वती भले ही माया सो गई है और सुखदेव जी माँ पार्वती की आवाज में हामी भर रहे हैं, और महादेव जी तो अपने आनंद में कथा कह रहे थे, 10वें स्कंद उत्तरार्ध, 10वें स्कंद पूर्वार्ध, 11वें स्कंद, 12वें स्कंद सुना और कथा पूरी हुई। कथा पूरी होते ही महादेव जी बोले, बोले भागवत महापुराण की, और जो ही बोले जगदम्बा की नींद खुल गई। पार्वती जी कथावाचक कथा क्यों, कथा में जय क्यों बोला है? हाँ जाना कहीं सोता हो तो जने जग जाए, हैं नहीं, नहीं बोलो राधे राधे।
तो यहाँ जैसे ही जय बोला, माँ पार्वती ने आँख खोली। राधे राधे। माँ अम्बा माँ जगदम्बा ने जैसे ही महाराज नेत्र खोले तो महादेव जी कथा होगी गई। अरे हाँ देवी कथा तो होगी। महादेव जी ने पूछा तू कहाँ थी, तूने कथा नहीं सुनी? अब माँ पार्वती जी कह दे कि अब भी नहीं सुनी तो फिर तो क्रोध हो जाए महाराज को, महाराज को क्रोध आ जाए। हेलो, तो माँ पार्वती कह रही है प्रभु मैंने कथा बहुत ध्यान से सुनी और नवे स्कंद तक तो मैंने बड़ा भाव से सुनी, पर जैसे ही दसम स्कंद में कथा आई और दसम स्कंद में कथा ने प्रवेश किया और दसम स्कंद में जैसे ही कथा आई और जैसे ही आप दसवें स्कंद में प्रवेश आपने किया है और जैसे ही आप कथा कह रहे थे तो जैसे ही कृष्ण भगवान की कथा शुरू हुई तो मैं तो भगवान की गोपी बन गई और गोपी बन के मैं तो गोकुल चल गई। महादेव जी के भाई ये तो बहुत अच्छा करा तूने, कथा यहाँ हो रही और आप पहुँच गए वहाँ। होता है ना कभी कभी हम बैठे यहाँ हैं गोवर्धन में, मन चला जाए आगरा, हम बैठे हैं कभी उज्जैन और मन चला जाए गांव। हम कहाँ हैं, बैठे कथा में मन चला जाए ऑफिस में, क्या हो रहा होगा भाई, खेत पे क्या हो रहा होगा। होता है ना, एक जीजी कथा सुनने गई, कथा सुनने गई तो वहाँ कथा अच्छा कथा के ठंड का दिन और ठंड के दिन थे। अब जीजी कथा में बैठी ना, अब ठंड में भी लाडू लाडू समझते, ठंड में लड्डू बनते हैं और जीजी उन्हें बना के ही ले लड्डू रखे। अब कथा में बैठी जो काठो जी भाव सोचे कि अगर महाराज बिंदनी घरे एकली है, लड्डू फ्रिज में रखे क्या पता लड्डू बचेंगे कि। हाँ होता है ना महाराज, हम बैठे कथा में, अब वहाँ घर पे मेहमान आए और घर पे मेहमान आए तो घर पे मेहमान पूछे कहाँ गया माता जी, बोले माता जी गाँव में कथा बच रही वहाँ गया। अच्छा कथा में गया है, बोले हाँ, बोले बहुत बढ़िया कथा हो रही है कथा में गया है महाराज। अब वह बेचारी बिंदनी कथा का याद कर रही है और सासू जी लड्डू ने याद कर दिया, कौन जाएगा सड़क में। राधे राधे, महाकाल भगवान की। माँ पार्वती जी कह रही है कथा तो सुन रही थी पर मैं तो वहां चली गई और सुनना साहब माँ पार्वती सो गई थी। दुनिया का कोई सा भी काम करो कभी नींद नहीं आएगी, पर नींद कहाँ आती है। हमारे पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब भगवान का नाम हम ले पाते हैं महाराज, हमारे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से ही हम कथा में आ पाते हैं। पर उन पुण्यों में कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है, कोई दोष हो जाता है और जब वो दोष एक्टिव हो जाता, दोष महाराज जब प्रबल हो जाता है ना, तब कथा में जाकर बैठने के बाद भी कथा में नींद आ जाती है। और एक संत तो ऐसा बड़ा रस भाव से कहते हैं भैया महाराज इतना सा है कि दुनिया में कहीं नींद नहीं आती पर भगवान की कथा में नींद इसीलिए आती है कि जब बच्चा माँ की गोद में जाता है तो उसे नींद आ ही जाती है। वैसे ही भक्त भगवान की गोद में जाकर बैठता है तो सारी दुनिया की चिंता वो बेफिक्र होकर कथा में बैठ जाता है और जहाँ बेफिक्री हो जाती वहीं उसे नींद भरोसा हो जाता है, जहाँ विश्वास अब मैं कथा में आकर बैठ गया हूँ, मेरे कार्य की मेरी सारी जिम्मेदारी मेरे भगवान की महाराज। बोले भक्त वसल भगवान की। तो यहाँ महादेव जी, अब जैसे पार्वती जी ने कहा कि समझ गए कथा सुनी नहीं, फिर कथा सुन कौन रहा, जब आपने नहीं सुनी तो फिर हामी कौन भर रहा था। और जैसे ही सुना हामी कौन भर रहा था तो महादेव जी ने देखा उस वटवृक्ष के उस छोटे से महाराज घर में, उस कोचर में एक तोता एक शुक बैठा है। महादेव ने त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठाते ही शुक आगे आगे और महादेव जी पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं महाराज। और सुखदेव जी यहाँ सुत जी महाराज कहते संतों, इस प्रकार महाराज वो शुक उड़ता हुआ वेदव्यास जी की पत्नी अरणी माता के मुख द्वार से महाराज गर्भ में प्रवेश करके बैठ जाता है। यहाँ व्यास जी के दरवाजे महादेव जी आए, महादेव जी बड़े क्रोध में हैं। व्यास जी ने कहा प्रभु आप बड़े क्रोधित हैं, बोले एक चोर ने मेरे यहाँ चोरी की है और चोरी करके वो तुम्हारे यहाँ घुस के बैठा। उस चोर व्यास जी कहने लगे महादेव जी कोई आपके यहाँ क्या चुराएगा है। बोलो राधे राधे, आप जने चुरा भी क्या सकता है, एक चोर चोरी करने गया और चोरी करने गया तो गांव में सब लोग जाग रहे थे, जागरण था उस दिन, बेचारा परेशान 12-1 बज गई कोई सो ही नहीं रहा, सोचा कि इस गांव में अपना काम होने वाला नहीं दूसरे गांव में चले। अब दूसरे गांव में गया तो रास्ते में मंदिर मिला और मंदिर में सोचा कि चलो कुछ ना कुछ मंदिर में मिल ही जाएगा और मंदिर में जैसे ही सीढ़ी चढ़ा तो देखा तो मंदिर में मिला तो किसका, शंकर जी का। बोले मंदिर में मिलनो तो इनको ही मिलनो, तो शंकर कृष्ण भगवान का मिल जाता तो चल जाता,
राम भगवान का मिल जाता तो कुछ ना कुछ मिल जाता, अब मंदिर में मिले तो इनको निराश होकर बैठ गया, बैठे बैठे ध्यान गया कहाँ। और महाराज भगवान जब वो भक्त शिव जी पे चढ़ा तो महाराज महादेव जी प्रकट हो गए, और महादेव तो महादेव सरल है महाराज। बोले भक्त वसल भगवान की, यहाँ व्यास जी कह रहे प्रभु क्या चुराया है? बोले उसने मेरी परम तत्व की कथा, मेरी अमर कथा सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। व्यास जी कहने लगे अभी आपने कहा कि अमर कथा सुनाई है और अभी कह रहे मृत्यु दंड दूंगा, अभी तो अमर आपने खुद नहीं कर दिया है, अमर कथा सुना दी तो ऐसा होगा नहीं। और यहाँ हाथ जोड़कर महाराज व्यास जी भगवान शिव जी की आराधना कर, शिव जी से क्षमा मांग रहे, कृपा करो महादेव कृपा करो। और व्यास जी कह रहे हैं अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं। महाकाल महाराज की जय। शंकर भोला नाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोला नाथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। ओ बाबा महाकाल है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बाबा महाकाल है तुम्हारा, की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। ओ बाबा महाकाल है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बाबा महाकाल है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। ओ इस नगरी कंकर पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। ओ भक्त हमारे ऊपर चलकर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चलकर मंदिर जाए। ओ भक्त जनों के पांव पड़े तो हो कल्याण हमारा, भक्त जनों के पांव पड़े तो हो कल्याण हमारा। ओ बाबा भोला नाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बाबा भोला नाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ओ जब भी ये तन त्यागो त्यागो शिप्रा तट पर, जब भी ये तन त्यागो त्यागो शिप्रा तट पर। इतना करना स्वामी और जलू मर कट पर, इतना करना स्वामी और कट पर। ओ मेरी भस्मी चढ़े आप पर हो कल्याण हमारा, मेरी भस्मी चढ़े आप पर हो कल्याण। भंडारी जे गोरा त्रिपुरारी, रखना लाज हमारी भक्तों के हितकारी। हे महाराज, और देखिए हम गिरिराज जी की धरती पवित्र धरती पर बैठे हैं, भगवान से क्या मांगना है, क्या चाहिए? संसार की भौतिक चीज मांग ले कि नहीं घर दे दो, नहीं ऐसा कर दो, नहीं ऐसा कर दो, नहीं ऐसा भी दे दो, नहीं भगवान से एक चीज मांगना साहब, भगवान जोड़ लेना, क्या कर लेना? अब के बुलाया हर बार बुलाना, अब के बिठाया हर बार बिठाना, अब के सुना रहे हो तो हर बार सुनाना, जोड़ लेना प्रभु। कुछ मत देना, कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि संसार की चीजें कोई काम के नहीं है, जब तक हैं तब तक ही है महाराज।
एक जीजी दौड़ दौड़ के काम कर रही और दौड़ के काम कर रही, तो वो महाराज घर में सासू जी को फोटो टंगेड़ो, हार चढ़ेड़ो, पंखो चले तो फोटो में झुलबू हार झुल्ले, तो हार झुल्ले तो महाराज में फोटो में सासू प्रसन्न हो, फोटो कैसा लगाते हैं, ये भी गजब गजब का भाव है ना महाराज, जिसने पूरे जीवन भर जो रोता रहा है उसका फोटो कैसा लगाया, और फोटो लगाया तो महाराज जो बिंदनी ही जने थोड़ी डर गई, क्या करूं, पड़ोसन से पूछा, भाई मैं झाड़ू लगाऊं, और झाड़ू लगाने के बाद जो ही महाराज पंखा चालू करूं तो वो मेरी सासू जी मुझे देखकर हंसती है, तो वो पड़ोसन कहती वा खसे नहीं वा केवे थाने, तुझे कुछ कहती है, बोले क्या कहती है, बोले वो कहती है हूँ भी थारा जैसी दौड़ दौड़ के जोड़ जोड़ के मर गई ने फोटो में टंगी, और तू भी दौड़ दौड़ के जोड़ जोड़ के मर जाएगा ना फोटो में टंग जाएगा, बाकी कहीं नहीं होना जाना महाराज, कुछ होना जाना हे नहीं, इसलिए इस भगवान से यही कहना है कि प्रभु जोड़ लेना तू खुद से, क्योंकि महाराज भले ही भगवान तू अपने मंदिर में नहीं जोड़े कोई बात नहीं, तू मंदिर के शिखर पर नहीं बैठा है कोई बात नहीं, तू अपने पास में इतना पुण्य मैंने नहीं किया है कि तू अपने पास मुझे बैठा है, इतना पुण्य प्रतापी मैं नहीं हूं कि मैं तेरे पास बैठूं, पर भगवान मंदिर की आखिरी सीढ़ी बना लेना, अगर तू मंदिर की सीढ़ी बना लेगा तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा, पर भगवान जोड़ लेना, अगर मंदिर की सीढ़ी भी बनाया ना महाराज तो वो भक्त निहाल हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो भी भक्त आता है भगवान के दर्शन करने सबसे पहले भगवान को प्रणाम नहीं करता है, सबसे पहले मंदिर की पहली सीढ़ी को प्रणाम करता है फिर भगवान को प्रणाम करता है, यहाँ भगवान से जो जुड़ जाता है वो पूज्य हो जाता है, और यहाँ बोलो राजे राजे तो सुत जी महाराज 88,000 संतों से महाराज शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं संतो, शुक जी महाराज महादेव जी आए, और महादेव जी जैसे ही आए हैं व्यास जी ने स्तुति की, भगवान आप क्षमा करो प्रभु भोलेनाथ, आप तो बड़े सरल हैं महादेव, आप कृपा करो महादेव, कृपा करो महादेव, कृपा करो, और त्राही माम शरणागत वत्सल, महाराज आप कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो, और जब हाथ जोड़े सबसे भोला भगवान है भोलेनाथ, और भोला भोलेनाथ क्यों है, बोले जो भोले होते हैं, जो सरल होते हैं, जो सीधे होते हैं उनका भगवान भोलेनाथ होता है, और यहाँ भोलेनाथ से हाथ जोड़े, और महादेव जी जिसको दंड देने आए थे महादेव जी ने उसको वरदान दिया, हे व्यास जी ये शुक आपके यहाँ पुत्र बन के प्रकट होगा, और इसके जैसा विद्वान इस धरातल पे ना हुआ है ना होगा महाराज, और आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि सुखदेव स्वयं शिव का ही स्वरूप है, क्योंकि शिव जी से समर्थ कौन हो सकता है, शिव जी से अच्छा कथावाचक कौन हो सकता है, सुखदेव जी जब इतनी सुंदर कथा कह रहे हैं तो मानो ना मानो सुखदेव जी साक्षात शिव का ही स्वरूप माना जाता है, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। अब यहाँ सुखदेव जी महाराज का महाराज देखो यहाँ विचित्र बात है, कुछ संत मत में कहा जाता है 14 वर्ष, कुछ संत मत में कहा जाता है 8 वर्ष, अब यहाँ आचार्य कह रहे हैं सुखदेव जी माँ के गर्भ में हैं, और यहाँ 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 5 6 7 8 वर्ष हो गए, और कुछ संत तो 14 भी कहते हैं महाराज, पर यहाँ 8 वर्ष हो गए, और जब व्यास जी कहते हैं भैया प्रकट हो जाओ, तो वो सुखदेव जी कह रहे हैं नहीं, अगर मैं प्रकट हो जाऊंगा तो ये माया मुझे घेर लेगी महाराज, और मुझे माया के हाथों नहीं, मुझे माया में नहीं जकड़ाना महाराज, मैं तो भगवान का भजन कर रहा हूँ, मुझे भगवान को पाना है, मुझे मुझे ब्रह्म को पाना है, अगर मैं प्रकट हो जाऊंगा तो मुझे ये माया घेर लेगी, माया महाराज बचपन चला जाता है खेल कूद में, युवा अवस्था महाराज परिवार के भरण पोषण में, और बुढ़ापा सारी जिंदगी याद याद करके रोने में, ये भी कर लेता वो भी कर लेता है, और ऐसे ही चला जाता है, इसलिए माया बड़ी प्रबल है, मुझे मुझे जन्म नहीं लेना, बोलो राधे राधे। तो व्यास जी ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना करी, और सुखदेव जी ऐसे इस कथा के जो वक्ता है ना, इस कथा के प्रबल जो महाराज प्रथम वक्ता हैं, ये कथा में क्यों मिली, बोले सुखदेव जी महाराज ने अपनी माँ के गर्भ में ही भगवान श्री हरि के दर्शन किए थे महाराज, महाराज इतने पुण्यवान है, इतना प्रतापी महाराज सुखदेव जी थे, और सुखदेव जी महाराज ने जब दर्शन किए तो भगवान का आप प्रकट हो जाइए, मेरी माया आपको नहीं सताएगी, और तब महाराज सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ था, और सुखदेव जी महाराज जनेऊ संस्कार के पहले ही घर को छोड़ के चले गए थे, और पुत्र के मोह में पिता तो होता ही है महाराज कि मेरा बेटा मेरे पास रहे, पर सुखदेव जी जाने लगे तो व्यास जी महाराज पीछे पीछे है, पुत्र रुक जा पुत्र रुक जा, बेटे को रोका और बार बार रोकने का प्रयास किया, और जब बार बार रोकने का प्रयास किया
सुखदेव जी नहीं पलटे। सुखदेव जी ने पीछे फिर के नहीं कहा कि पिताजी कौन बेटा कौन पिता, पर वहां एक वृक्ष के द्वारा सुखदेव जी ने पिताजी को उत्तर दिया कि पिताजी असार है खलु संसार दुख रूपी मोह का सुता कश्य धनम कश्य। महाराज संसार तो असार है, इसमें कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, सबका पिता एक है वो परम पिता परमात्मा है। कितने ही जन्मों तक मैं आपका पिता रहा, कितने ही जन्मों तक आप मेरे कोई बेटा नहीं, कोई सबका पिता एक ही है वो भगवान, वो ब्रह्म ही त्रिलोकी का नाथ ही हम सबका पिता है। अच्छा एक विचित्र बात यहाँ भी समझने की है, सुखदेव जी सीधे जा रहे हैं और बोले कैसे पेड़ से, तो सुखदेव जी जा रहे हैं वो है कि पेड़ सुखदेव है, कौन है सुखदेव, पेड़ है कि जो चल रहा है वो सुखदेव जी, कौन है सुखदेव, समझना इस बात को। गुरुजी समझाते हैं कि जब तू अपने आप को समझ जाएगा तब कुछ समझने की आवश्यकता नहीं रहेगी। महाराज हम खुद को समझ जाएंगे तो और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि व्यापक ब्रह्म में हम सब व्यापक हैं, हम सब जगह हैं, पर हम अपने आप को एक शरीर में मानते हैं, हम तो इस शरीर में हैं। ब्रह्म सब जगह है और परमात्मा सब जगह है, तो आत्मा भी सर्वत्र ही है महाराज, पर हम अपने आप को शरीर में बांध रखते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी ऑफिस है और ये मेरा काम है, पर हम अपने शरीर में अपने आप सीमित है। सुखदेव जी उस तत्व को, उस ब्रह्म को, निराकार को जानते थे। गुरु जी कहते ना सोहम कोहम, हम कौन है, शंकराचार्य ने कहा शिवोहम, मैं शिव हूँ। अर्थात महाराज सुखदेव सर्वस्व है, पेड़ में भी है, डाली में भी है, पत्ते में भी है, पर उसको जानना कोई सतगुरु, कोई सच्चा गुरु, कोई तत्विक महाराज, एक जागृत मूर्ति मिल जाए, जागृत संत मिल जाए जो उस तत्व को जगा दे, नहीं तू तो सब में है, क्यों रोता है। हम दुखी कब होते हैं, जब शरीर को दुख मिले। हम सुखी कब होते हैं, जब शरीर को, हम दुखी कब होते हैं, जब शरीर से जुड़े रिश्तेदार दुखी होते हैं तब हम भी, पर आत्मा कभी किसी से दुखी, आत्मा ना सुखी ना, वो तो आनंद में रहने वाली। बोलो राधे राधे, नींद आ रही है ना, जब आने लग जाए तो कह दीजो, आरती आरती कर देंगे फिर क्या छोड़ा विलंब हुआ। बोलो राधे राधे। तो यहाँ बड़ा सुंदर सुखदेव जी महाराज ने वृक्ष द्वारा उत्तर दिया, व्यास जी उदास होकर वापस आ, सुखदेव जी निराकारों की उपासना करने लगे। यहाँ उदास जब व्यास जी बैठे हैं, श्री सूत जी महाराज कहते हैं देवर्षि नारद का आगमन हुआ, देवर्षि नारद ने व्यास जी को उदास देखा, भाव पूछा आप उदास क्यों है महाराज, और जैसे ही पूछा तो व्यास जी ने कहा कि मेरे मन में शांति नहीं है। देखो मन में ज्यादा धन कमाना बड़ी बात नहीं है, मन की शांति पा लेना बड़ी बात है। बड़ा कौन, इसका घर बड़ा, बड़ा कौन, इसको शांति है। बड़ा वो नहीं जिसकी बहुत सारे व्यापार है, बहुत सारे काम है, जिसको संतोष है, जिसको शांति है, बस भगवान की कृपा से मिला है ना बहुत है, और महाराज इस जो वो शांति। तो यहाँ व्यास जी कहते मैंने 17 पुराण लिख दिए, 17 पुराण रच दिए हैं, महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा, एक वेद के 4 वेद किए हैं, और 4 वेद किए तभी वेद व्यास नाम हुआ था, और महाराज गीता जैसा महाराज महाभारत में ग्रंथ लिखा, गीता को कहा, पर फिर भी नारद जी मेरा मन शांत नहीं है, और मन की शांति भगवान के नाम के, भगवान की भक्ति के बिना कहीं मिलती नहीं है महाराज। मन की शांति वो कहते हैं ना, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े तो सब दुखी पर सुखी राम का दास, तो उसकी शरण में। महाराज आपने इतने सारे पुराण लिखे, पर ऐसा कोई पुराण नहीं लिखा कि जिसको पढ़ने से भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो, भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट हो, वो ब्रह्म मिले सरलता से समझ में आ जाए। उस समय महाराज नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद जी कहते हैं मैं भी ऐसे ही महाराज बड़ा रोता था, क्यों, बोले एक समय मैं दासी पुत्र था, एक समय संत पधारे, मेरी माँ संतों की सेवा करने लगी, मैं भी संतों की सेवा करने लगा, चतुर्मास संत रुके और चतुर्मास करने के बाद संत जाने लगे, मैं भी उनके साथ गया। संतों ने कहा नहीं, अभी माँ की सेवा पहले करो, माँ की सेवा करना ही तुम्हारा परम धर्म है। और मैं संतों के पास से वापस आ गया, माँ की सेवा करने लगा, काल का भाव आया, काल सर्व बन के आया, मेरी माँ को महाराज उसने डस लिया। मेरी माँ जब महाराज चली गई, मैंने अपने कर्मों से जब मैं निवृत्त हुआ, उसके बाद में परमात्मा को पाने का मैंने प्रयास किया, एक वृक्ष के नीचे बैठा, उस ब्रह्म के दर्शन हुए, आकाशवाणी हुई, उस दर्शन का फल ये हुआ कि मैं महाराज इस जन्म में ब्रह्मा के यहाँ बालक बन के प्रकट हुआ, मैं नारद हुआ,
और मेरे पिता ने मुझे वो जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान परमपिता परमात्मा परमेश्वर भगवान पुरुषोत्तम भगवान योगेश्वर त्रिलोकी का नाथ है, उस परमात्मा ने मेरे पिता ब्रह्मा को जो कथा सुनाई है, जो भागवत सुनाई है, हे व्यास जी वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भागवत कहाँ सबसे पहले किसने कही थी? भागवत सबसे पहले भागवत परम पुरुष भगवान ने ब्रह्मा जी से कही थी, जिसे चार श्लोक में गाया जाता है, और वही ब्रह्मा जी ने वो कथा नारद जी को सुनाई और वही नारद जी ने व्यास जी को वो कथा सुनाई। चार मंत्र द्वारा कहा गया है। नारद जी कहते हैं व्यास जी रो रहे हैं, समझना व्यास जी रो रहे हैं, दुखी हैं, बेटा छोड़ के चला गया है, कथा में कोई मेरे मन को शांति नहीं है, इसलिए तो रोते रोते कम है। जब बेटा ना सुने हैं, जब परिवार किसी से आशा करे वो हमारे काम करता नहीं, फिर रोना पड़ता। तो यहाँ बड़ा सुंदर महाराज बोलो राधे राधे। यहाँ व्यास जी महाराज से नारद जी कह रहे हैं अहमेवास्मेवाग्रे नान्य दश्य दशत परम पश्चादहम यदच यो वशिष्यते सोऽस्मि अहम् इति यत्थं यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद्यदात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः। पहले श्लोक में कहा है महाराज भगवान परम पुरुष के ये शब्द हैं अहमेवास्मेवाग्रे नान्य दश्य दशत परम, पहले भी मैं था अब भी मैं हूँ बाद में भी मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, वही है, वही बोल रहा है, वही बुलवा रहा है, वही कार्य कर रहा है, वही कार्य बिगाड़ रहा है, वही कार्य सुधार रहा है, सब वही है, उसके सिवा कुछ अहमेवास्मेवाग्रे नान्य दश्य दशत परम, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। और महाराज फिर आगे कहा रिते अर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि, दूसरे श्लोक में कहा है जो दिखता है नहीं है, जो दिखता है रिते अर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि, जो दिखता है वो है नहीं पर लगता है कि हे मेरा भाई है, मेरे बच्चे हैं, मेरे मित्र हैं, मेरा घर है, मेरी गाड़ी, ये है नहीं अपना पर फिर भी लगता कैसा है मेरे हैं। और महाराज जब ये लगता है ना मेरे हैं, इसे ही भगवान महाराज माया कहा है। माया किसे कहते हैं? जो अपना नहीं है फिर भी हम उसे अपना मान रहे हैं, यही भगवान की माया है। और महाराज यथा महांती भूतानि भूते कुचावचिष्यनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा देखो न तेषु एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मन अन्वय व्यतिरेकाभ्यम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। और महाराज जैसे ही महाराज जी ने चार श्लोक पढ़े हैं, व्यास जी महाराज जो दुखी थे, जो रो रहे थे महाराज, अशांत थे, मन का शांत नहीं था, वो व्यास जी की समाधि लग गई, ध्यान में चले गए और समाधि लग गई। वेद व्यास जी ध्यान में चले गए और जैसे समाधि लगी वेद व्यास जी ने चार श्लोक के 18,000 पवित्र मंत्र महाराज उनके हृदय में प्रकट हो गए। कितने मंत्र? 18,000। और 18,000 पवित्र मंत्र जब हो गए व्यास जी ने बड़े भाव से गाना आरंभ किया, सुनना, बड़े भाव से भागवत को गाना आरंभ किया। और जैसे ही व्यास जी ने भागवत कथा को गाना आरंभ किया है, श्री गणेश भगवान ने कथा को लिखना आरंभ किया। गाया किसने है? व्यास जी ने। लिखा किसने है? गणेश जी महाराज। जैसे ही समाधि लग गई, समाधि में कथा गाने लग गए और गणेश जी महाराज लिखने लग गए। गजानंद गणपति महाराज की 12 स्कंद हुए, 335 अध्याय हुए और 18,000 पवित्र श्लोक हुए। अब कथा किसको सिखाएं, किसको पढ़ाएं? पात्र को सिखाना चाहिए ना महाराज। अब जाने वो समझे ही नहीं, उसको क्या समझावा, तो किसे सिखाया जाए? बोले सुखदेव जी जैसा सन्यासी, सुखदेव जैसा विरागी, सुखदेव जी जैसा महाराज कोई हो नहीं सकता, तो सुखदेव जी को कैसे सिखाएं? ये तो साकार की कथा है, निराकार की थोड़ी है। साकार को महाराज तत्व की ठाकुर की कथा है, वो तो निराकार के उपासक है, वो तो निराकार के उपासक है, उनको कैसे समझाएं? तो बड़ा सरल सुखदेव श्री व्यास जी महाराज ने, यहाँ एक और विचित्र घटना घटी। हमारे यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि आश्रम में व्यास जी के कई सारे शिष्य थे और कई सारे शिष्य थे, तो कुछ शिष्यों को सरल भाषा में समझाने के लिए कहा है इसे, बोलो राधे राधे। आश्रम में दो शिष्यों को व्यास जी ने बुलाया, कहा जाओ, जो सबसे डरते थे महाराज, अकेले कहीं जाते नहीं थे, उनको बुलाया, जंगल में जाकर लकड़ी लेके आओ। वो दो शिष्य डर गए, बोले गुरुजी हम जंगल में जाएंगे, जंगल में तो हिंसक पशु जीव जंतु रहते हैं, हम जीवित ही नहीं आ पाएंगे, हमारी रक्षा कौन करेगा? तो व्यास जी ने कहा मैं तुम्हें दो मंत्र सिखाता हूँ, उनको गाना। क्या क्या गाना है? और वो जिसका मंत्र आप गाओगे ना, वो परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा। और गुरुजी के वचनों पर विश्वास था, मंत्र सीख लिए
और बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासम कनक कपिशम वेजयंती च मालाम रंधान वेणुरधर सुदया पुरेण गोपवृंदे वृंदारण्यम सुवर्णम प्राविशत गीत कीर्ति ही। पवित्र महाराज दो श्लोक दो मंत्र सिखाए, दो मंत्र दोनों शिष्यों ने सीख लिए। बोले हाँ गुरु जी, कौन रक्षा करेगा? बोले जिसके गले में वेजयंती माला जो धारण करता है वो हमारी रक्षा करेगा। कौन रक्षा करेगा? जो महाराज मुरली अधरों पर धारण करता है वो हमारी रक्षा करेगा। कौन रक्षा करेगा? यशोदा का लाल हमारी, ऐसा विचार करना, ऐसा गाते रहना, तुम्हारी वही रक्षा करेगा। और दोनों शिष्यों के बात मन में बैठ गई और दोनों शिष्य जंगल में लकड़ी लेने गए, और लकड़ी लेने गए तो संयोग ऐसा लगा कि सुखदेव जी भी सुन रहे थे। वो दो श्लोक जहां वो लकड़ी काट रहे थे, वो दोनों श्लोक जब गा रहे थे, सुखदेव जी ने जैसे ही सुना, सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव जी की समाधि टूट गई। जो निराकार का उपासक था, यहाँ दोनों शिष्य गा रहे हैं हमारी रक्षक रक्षा करने वाला बरहा पीडम नटवर वपु, जो मोर मुकुट धारण करता है वो परमात्मा, वो ब्रह्म हमारी रक्षा करता है। जो वैजयंती माला धारण करता है वो परमात्मा हमारी रक्षा करता है। जो महाराज मुरली धारण करता है वो परमात्मा हमारी रक्षा करता है। जो गायों की सेवा करते हुए उन गायों के पीछे पीछे जो चलता है वो परमात्मा हमारी रक्षा करता है। और जैसे शिष्यों के मुख से सुना, गुरु जी की समाधि टूट गई। बोले भगवान ऐसा है? और गुरुजी तोड़ के, सुखदेव जी तोड़ के शिष्यों के पास गए। बोले जिस परमात्मा के स्वरूप को तुमने वर्णन किया, मुझे और इसके बारे में जानना है, मुझे और सुनना है, बस इतना सही है तुम्हारे पास? तो वो दोनों शिष्य कहते हैं, भैया हमारे काम का तो इतना सही था, हमारे गुरुजी ने तो हमें इतना ही सिखाया था, पर हाँ तुम्हें और जानना है ना, तो हमारे गुरुजी के पास अथा सागर है, 18,000 मंत्र है महाराज, आप हमारे गुरुजी के पास जाए। कौन है तुम्हारे गुरु? बोले परम पूज्य श्री वेदक व्यास जी महाराज हमारे गुरु हैं। और वो शिष्य सुखदेव जी को लेकर पुनः व्यास जी के पास आए, और व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को भागवत कथा सिखाई, और सुखदेव जी ही कथा के प्रथम वक्ता हुए। बोले सुखदेव जी महाराज की और उनकी कृपा से हमें ये कथा मिली है महाराज। अब यहाँ सूत जी महाराज ये प्रसंग सुना रहे हैं। इस बीच में सुखदेव सूत जी महाराज संतों से कहते, इस कथा का महत्व महात्म क्या है? पद्म पुराण में भी गाया गया है। तो एक समय श्री सुध जी महाराज कहते हैं, वंदन है वो गुरुदेव चरण में, वंदन है, वंदन है वो गुरुदेव चरण प्रकार। सुखदेव महामुनि का महाराज प्रणाम किया गया है। और फिर सुत जी महाराज कहते हैं, एक समय महाराज श्री देवर्षि नारद बद्रिकाश्रम में पधारे, और बद्रिकाश्रम में सनत कुमार विराजमान थे। सनत कुमारों ने गुरुजी से पूछा, नारद जी आप देवर्षि नारद हो और संतों का काम है, महाराज संत हमेशा आनंद में रहते हैं, संत हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और संत जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोगों को प्रसन्न, रोते हुए को हंसा देता है महाराज, प्रसन्न करते महाराज, उस तत्व के सुख दुख से परे कर दे वो संत महाराज। सनत कुमार ने कहा, गुरुजी आप क्यों उदास हो? और संत कब दुखी होता है? अपने दुख से संत दुखी नहीं होता। आचार्य कहते हैं, महाराज औरों को दुखी जब संत देखता है तो संत को बड़ा दुख होता है।
नहीं तो आजकल के नहीं हमारा के हमारा उधर कहा जाता है कि लोगों के एक परेशानी है, बोले क्या औरों के अपने सुख से सुखी नहीं है, औरों के सुख से रोते रहते हैं महाराज, वो एक क्यों दे दियो भगवान है, इसको कहीं होवेगा, बस उनकी निंदा करते रहते हैं, थोड़ा दिन ही चलेगा, थोड़ा दिन बाद तो राधे राधे। तो यहाँ नारद जी से पूछा उदास क्यों है, बोले मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण करने आया, जब मैंने लोगों को देखा कि जो लोग माँ के गर्भ में भजन करूंगा भजन करूंगा, उल्टा महाराज जब जीव लटकाता है, जीव को लटकाते हैं ना भगवान माँ के गर्भ में, महाराज वो मुट्ठी बंद करके भगवान से कहता है भजन करूंगा भजन करूंगा भजन करूंगा भजन करूंगा भजन करूंगा, और महाराज जब भजन जब जब जन्म ले लेता है तो फिर एक ही चीज भजन तो चला जाता है, फिर भोजन करूंगा भोजन करूंगा भोजन करूंगा भोजन करूंगा, क्या शुरू हो जाता है भजन गया शुरू क्या भोजन, बस भोजन ही करना है, अभी ये खाना फिर वो खाना फिर वो खाना, भजन तीन बार भोजन है भजन ने, उसमें भी आते हैं विघ्न। आप दुनिया का महाराज कहते हैं ना, आप दुनिया का कोई काम करो विघ्न नहीं आएगा, बस भजन करने बैठो आप, माला करने माला करने बैठ जाओगे, राम 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 वह माला भी झूल लेना, राम 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 राम, देख जे बेटा गैस चूल्हा पे दूध चटोड़ो में भूल गई थी, राम 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 राम, सब्जी वालों भी आ गए ले लीजिए थोड़ी सी भिंडी थोड़ी सी, राम 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 राम, ले बेटा देख जे बच्चों रोड पे नहीं चल जाए, राम राम राम, इतना सारा काम आ जाए कब, जब माला करने बैठो, यूं माला करने नहीं बैठो तो कोई काम नहीं, क्योंकि विघ्न महाराज ये जी माया ही तो प्रबल है, जाने कैसे बैठ जाए भजन करने, बोलो राधे राधे। तो यहाँ श्री देवर्षि नारद जब संतों ने पूछा आप क्यों उदास है, बोले भैया मैं मृत्यु लोक भ्रमण करने आया, लोगों को देखा जो लोग कहते थे भजन करेंगे भजन के, वो भोजन में महाराज। अच्छा एक बात बताओ, सुबह उठता व्यक्ति ये क्यों सुख के लिए क्यों दौड़ रहा है, सुख पाने के लिए दौड़ रहा है और उस सुख पाने में दुखी हो रहा है, सुख मिल नहीं रहा है, क्या मिल रहा है, रात दिन लगा हुआ मैं सुख पाऊंगा सुख पाऊंगा सुख पाऊंगा, सुख तो मिला नहीं आज तक, पर दुख जरूर मिल रहा है इसी दौड़ में। पर यहाँ जब नारद जी ने देखा लोग भटक गए हैं महाराज, सब सबने अपने धर्मों को छोड़ दिया है सब जगह महाराज सब, और जब ऐसा नारद जी ने देखा, नारद जी संत दुखी हुए और नारद जी कह रहे हैं मैं इन सबको देखता हुआ भक्ति की धरा जहाँ कृष्ण साक्षात विराजमान है मैं वृंदावन गया, वृंदावन में मैंने देखा एक युवती रो रही है, कौन रो रही है, और उसके पास दो अचेत पुरुष पड़े हुए, कई सारी स्त्रियां उसको महाराज समझा रही है चुप हो जाओ हरी रक्षा करेंगे, चुप हो जाओ भगवान सहायता करेगा, भक्ताने हरी सहाय छे भगवान सहायता करेगा, तू रो क्यों रही है, और बार बार समझा रहे हैं। नारद जी कह रहे मैं जब वहां से गया वहां से गुजरा तो वो स्त्री ने जब मुझे देखा तो उसने हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया, जयति जयति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय ध्रुव शतमपि यत् कृपा तु ध्रुव अयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नमा। ध्रुव को भगवान से मिलाने वाले, प्रहलाद को परमात्मा की प्राप्ति करवाने वाले, हे परमात्मा हे ब्रह्मपुत्र हे देवर्षि नारद मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, हे नारद जी आप मेरे दुख को दूर कीजिए। और जैसे ही उस स्त्री ने युवती ने कहा, नारद जी ने पूछा तू कौन है, बोले प्रभु मैं भक्ति हूँ मैं, बोले ये कौन है जिनके लिए तू रो रही है, बोले ये मेरे बेटे हैं मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने सोचा तू युवान है और ये वृद्ध है, भक्ति कह रही है प्रभु, नारद जी मैं कुछ जानती नहीं हूँ, आप संत हो आप जानते हो, आप बताओ मेरे दुख का कारण क्या है, मैं दुखी क्यों हूँ, आज संसार में लोग दुखी क्यों हैं। तब नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति तू रो मत, तेरे दुख का कारण एक ही है और वो कारण है युग, ये कलयुग है ना इसलिए महाराज तू दुखी है। भक्ति ने कहा महाराज ठीक है कोई बात नहीं, मेरा दुख दूर कैसे होगा, संसार के जितने भी लोग हैं ना दुख दूर कब होता है, नारद जी कह रहे हैं दुख दूर हो जाएगा तो दुनिया के लिए रोना बंद कर दे और भगवान के लिए रोना शुरू कर दे, दुनिया के लिए रोना बंद कर कब तक रोएगी, भगवान का स्मरण कर भगवान को याद कर। और महाराज कोई बेटे के लिए कोई बहू के लिए कोई पिता के लिए कोई परिवार के लिए कोई मित्र के लिए कोई पति के लिए कोई पत्नी के लिए कोई जमाई के लिए कोई बेटे के लिए रोते रहते हैं पर कोई भगवान के लिए नहीं रोता, और जो भगवान के लिए रोता है उसको दुनिया के लिए रोने की आवश्यकता नहीं पड़ती महाराज, यही तो है।
यहाँ फिर भी भक्ति कह रही है, प्रभु ठीक है मैं दुनिया का स्मरण करना बंद कर देती हूँ, परमात्मा का स्मरण करना शुरू कर देती हूँ, पर क्या गारंटी है, क्या प्रमाण है कि मेरा दुख चला जाएगा, किसका दुख दूर हुआ? और जब ऐसा कहा तो देवर्षि नारद कहते हैं, देवी प्रमाण से पुराण भरी हुई है, प्रमाण से पुराण भरी है। तू याद करो महाभारत का प्रसंग, उस भरी सभा में उस द्रौपदी के साथ क्या क्या बीती। उस द्रौपदी ने पितामह को बुलाया, रोती रही। दुनिया को जब भी बुलाओगे दुनिया आपका दुख नहीं काट सकती। द्रोणाचार्य को बुलाया, रोती रही। कृपाचार्य को बुलाया, रोती रही। अपने पतियों से कहा तो रोती रही, सबसे कह लिया, आखिरी में कृष्ण से कहा। और जब उसने कृष्ण का स्मरण किया तो ये कथा प्रमाण देती है, देवी जब तक दुनिया का स्मरण करेगी तब तक रोना ही पड़ेगा, जिस दिन भगवान का स्मरण करना शुरू कर दोगे उस दिन दुख दूर हो जाएगा। इसीलिए बोलो राधे राधे, महाकाल महाराज की। ताली मत बजाया करो, ठंड लग रही होगी, कहीं मतलब ताली बजाना। हमारे यहाँ कहा जाता है जिसको भगवान को बुलाना है वो नृत्य भी कर सकता है। हे महारा सांवरिया जी सेठ, जाने कहाँ हो गयो लेट, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। महारा सांवरिया जी सेठ, जाने कहाँ हो गयो लेट, महारा सांवरिया जी सेठ क्यों हो गया लेट, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। आए हो देखो, यहाँ यहाँ वही नृत्य करेगा जिसको भगवान महाराज आनंद देंगे, क्योंकि यहाँ दुनिया के लिए नहीं, यहाँ तो कृष्ण के लिए। आदरणीय यजमान बाबूजी भी और आदरणीय सरस्वत भैया, हमने देखा है कलश यात्रा में बहुत सुंदर नृत्य कर रहे थे आप, भगवान की चाकरी के लिए, भगवान के लिए हाजिरी भाव से। ओ सांवरिया तुझको किसने सजाया रे, सांवरिया तुझको किसने सजाया रे, तुझ सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया लाला थाने कौन सजायो रे, नंद लाला थाने कौन सजाया रे, मन सुंदर सुसुंदर गजरा पहनाया रे, तन सुंदर से सुंदर कैसे भरूं हाथ रे, सारा ही भरोसे सांवरा आयो मारा नाथ रे, कोनी कोनी पास मारे कैया भरूं हाथ, वो जो तू बात बरन नहीं आसी मारी हासी नगर उड़ासी, जो तू बात बरन नहीं आसी मारी हासी नगर उड़ासी, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे बीरा, क्यों नहीं आयो रे। ओ हमारा सांवरिया जी सेठ, जाने कहाँ हो गयो लेट, हमारा सांवरिया जी सेठ जाने कहाँ हो गया लेट, क्यों नहीं आयो रे बीरा, क्यों नहीं आयो रे। हो रोवे थारी नानी बाई और ना रुलावो रे,
जल्दी आओ सेठ सवरिया, देर ना लगाओ रे। रोवे थारी नानी बाई और ना रुलावो रे, जल्दी आओ सेठ सावरा, देर ना लगाओ। राखो राखो म्हारी बात, म्हारा चार गुजारा नाथ। राखो राखो म्हारी बात, म्हारा चार गुजारा नाथ। जो शास्त्री परिवार इंदौर से पधारे हैं, आपके द्वारा गत वर्ष बहुत ही सुंदर भागवत कथा का आयोजन शास्त्री परिवार द्वारा इंदौर में था, और पुनः जैसे ही आप लोगों को पता लगा कि गोवर्धन जी में कथा है, महाराज उनके मन में भाव है कि चलो गोवर्धन जी में कथा है तो यहाँ तो कथा सुनी, पर गोवर्धन जी में जाके कथा सुनेंगे तो यहाँ से ज़्यादा महाराज कई कथा भगवान की कृपा भी होगी, गिरिराज जी की परिक्रमा भी हो जाएगी, और पुनः महाराज हरि का नाम भी मुख से आएगा आएगा तो महाराज भगवान की कृपा तो अपने आप ही हो जाएगी। इस भाव से पुनः परिवार जब पधारे सभी को प्रणाम, आप सभी भक्तों को पुनः प्रणाम, बोलो राधे राधे। देखिए ऐसा बाबूजी उस दिन कह रहे थे महाराज ने प्रणाम को नहीं बोलिया करो, देखो प्रणाम आप सब में, हम किसी व्यक्ति विशेष को प्रणाम नहीं, भगवान को प्रणाम करते हैं हम सब में, कोई श्रोता हम आप हमें आप लोगों में श्रोता नहीं नजर आता, हमें आप लोगों में भगवान नजर आता है महाराज, आप सब परमात्मा का स्वरूप हो इसलिए महाराज हम आप सबको प्रणाम करते हैं, बोलो राधे राधे। तो यहाँ श्री सुध जी महाराज कह रहे हैं, नारद जी ने जैसे ही कहा परमात्मा का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करोगी तो महाराज दुख चला जाएगा, और ये हमारे लिए है। कथा तो बहुत पहले लिखी गई है, आज क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है कि दुनिया का स्मरण मत करो, दुनिया को याद मत करो। हमें दुख कब होता है, जब हम महाराज किसी से उम्मीद करते हैं, किसी से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये मेरा काम करेगा, ये मेरे काम आएगा, मैं इसके काम आ रहा हूँ तो ये मेरे काम आएगा, और दुख कब होता है, जब वो काम नहीं करते, क्योंकि मतलबी लोगों के कितने ही काम आ जाओ वो कभी आपके काम नहीं आएंगे महाराज। वो कहते ना मतलबी लोग कभी आपका अच्छा नहीं सोचेंगे, पर उन मतलबी लोगों को कौन बताए कि हमारा अच्छा सोचने वाला गिरिराज धरण भगवान बैठा है महाराज, है भगवान बैठे हैं, चाहे कैसा भी सोचे। तो यहाँ भक्ति को समझाया, तू मत रो, तो परमात्मा का स्मरण कर। अरे तम तु भक्ति प्रिया तस्यते प्राणतोदिका त्वया हुतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। देवी तू क्यों रो रही है, तू तो भगवान को प्राण प्रिय है। तुम तो भक्ति प्रिया तस्यते प्राणतोदिका, भगवान को ठाकुर जी को प्राण से प्यारी भक्ति है तू क्यों, क्योंकि तेरे बुलाने से तो भगवान छोटी सी छोटी झोपड़ी और कुटिया में भी चले जाते हैं। भक्ति द्वारा अगर कोई भगवान को बुलाए तो भगवान ये थोड़ी देखते हैं कि छप्पन भोग है कि नहीं, भक्ति द्वारा कोई भगवान को बुलाए तो भगवान ये थोड़ी देखते हैं कि हवेली है कि झोपड़ी है, भगवान तो भक्त का भाव देखते हैं। और एक अच्छा एक बात बताओ आप लोग सब, एक हम भगवान को क्या दे सकते हैं, हम भगवान को हार दे सकते हैं क्या, हार हमने बनाया है क्या, फूल हमने बनाया नहीं, हम फूल नहीं बना सकते, फूल तो उसका बनाया है, हम तो बस उसका उसको दे रहे हैं उसको उसको, फिर हमने दिया क्या भगवान को, जब उसका उसको ही दिया तो फिर हमने क्या दिया, हम भगवान को क्या दे सकते हैं, महाराज फूल थोड़ा दिया तो उसका ही बनाया, हमने हम तो भोग लगाते हैं छप्पन भोग, ठीक है छप्पन भोग हमारे हैं, भोग भी उसी का ही है, अन्न पुण्य सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ, वो परमात्मा की ही शक्तियां ने मारा, तो अन्न भी उसका है, फिर उसको हमने अन्न छप्पन भोग बना लिया, लो भगवान पालो मैंने चढ़ाया, अरे तेरा है था। एक घर में अतिथि आ रहे थे तो पति ने पत्नी से कहा, देवी ये जो अपने डाइनिंग जो टेबल अवेल है ना, ये कमरे वमरे में
इस टेबल के ऊपर जो गमला रखा अंदर ले जाओ, ये जो ये सुंदर सी तस्वीर रखी ये भी अंदर ले जाओ, ये बढ़िया सा ये चीज रखी ये भी अंदर ले जाओ। बोले क्यों? बोला मेरा मित्र आ रहा। बोले मित्र आ रहा तो अंदर क्यों ले जाऊं? बोले तू ले जा। बोले मित्र आ रहा है कि चोर आ रहा है? बोले नहीं, आ तो मित्र रहा है पर वो अपनी चीजों को अच्छे से जानता है। चोर कौन? राधे राधे है। हम सोचते हैं मेरा है पर हम तो चुरा के बैठे हैं, उसका ही है। हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, ये तो सब उसका। और हम सोचते हैं मैंने भोग लगाया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। नहीं, भोग 56 हो, 108 हो या 1000 हो, पर महाराज उस भोग कब भगवान स्वीकार करेगा? जब भोग में भाव होगा तो भगवान एक भोग भी स्वीकार कर लेगा। और 1000 भोग लगाने के बाद भी अगर भाव नहीं होगा तो भगवान स्वीकार, हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते। अगर हम भगवान को दे सकते हैं तो मात्र भाव। क्या दे सकते हैं? भाव। बस भगवान हमसे क्या मांगता है? भाव मांगता है महाराज भगवान। दुनिया में हर कार्य करना संभव है पर भगवान की जो कथा आप लोग करवा रहे हो ना सरस्वत परिवार, और ये भी तीर्थ में करना, कोई नहीं महाराज, कोई नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें क्या लगता है? इसमें भाव लगता है। और ये भाव, ये एक ऐसा खर्चा है भाव का कि दुनिया का करोड़पति भी महाराज इसको खर्च नहीं कर सकता। ये भाव तो महाराज उनकी कृपा से मिलता है, और उनकी कृपा से जब होता है तो भगवान हमें महाराज चुनता है, हमें निमित्त बनाता है, और निमित्त बनाता है तो हमारा द्वारो महाराज वो भगवान अपने हाथों से करवाता है। यही तो भगवान की कृपा है। बोलो राधे राधे। भक्त और भगवान की भक्ति रो रही है, और भक्ति जब रो रही थी नारद जी ने समझाया तू चिंता मत कर, जल लिया, संकल्प किया जब तक तेरा दुख दूर नहीं होगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। आकाशवाणी हुई, नारद जी आपके उत्तम कार्य कीजिए। और नारद जी महाराज उत्तम कार्य में क्या कर रहे हैं? बोले उन्होंने कई सारे ग्रंथ पढ़े, कई सारी पुराण भी पढ़ी, पर महाराज वेद पढ़ दिए पर ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं आई। महाभारत पढ़ा तो भी नहीं चेत, हाँ गीता पढ़ी जो सो रहे हैं महाराज, जो मूर्छित पड़े वो बैठ गए, सुनी गीता पूरी ध्यान से, और जैसे ही गीता पूरी हुई वापस हो गए। अब जागृति कैसे आए? नारद जी वहां से आगे बढ़ गए, आगे गंगा के तट पर जाकर नारद जी ने कई संतों से पूछा कैसे कल्याण होगा, उत्तम कार्य कहा है, क्या करूं पूछते हुए संतों से महाराज इस प्रकार नारद जी हरिद्वार गए। हरिद्वार से आगे बढ़ गए और श्री बद्रीनाथ धाम बद्री का आश्रम में नारद जी का आगमन हुआ, और सनत कुमारों से सारी कथा नारद जी ने सुनाई। सनत कुमारों ने कहा आपने सब कार्य किए पर आपने भागवत कथा नहीं की महाराज, आप भागवत कथा करते तो दुख दूर हो जाता। बोले महाराज भागवत कथा से दुख दूर कैसे हो जाता? बोले संसार में सुनना, यहाँ नारद जी कह रहे हैं तर्क वितर्क हो रहा है, और नारद जी कह रहे हैं मैंने तो वेद पढ़ दिए हैं, और वेद पढ़ने के बाद कुछ पढ़ना बाकी रह ही नहीं जाता है, वेद पढ़ दिए हैं तो भागवत कथा क्या करेगी जब वेद से कुछ नहीं हुआ तो? क्या बात है। सुखदेव जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की जय, महाकाल महाराज की जय, हर सिद्धि मैया की जय, अम्बे मात की जय, देवी मैया की जय, राधे 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 राधे। यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन महाराज किया जा रहा है। नारद जी गंगा तट आए, गंगा तट से बद्री विशाल आए, सनत कुमार का भागवत पढ़ दो दुख दूर हो जाएगा। बोले वेद पढ़ दिए भागवत जी से क्या होगा? भागवत जी निकले तो वेदों में सही है, और जब वेद पढ़ दिए हैं तो भागवत जी से कुछ होने जाने वाला है नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। तो सनत कुमारों ने कहा कि दिया काई से लगता है, दूध से लगता है कि घी से लगता है? दूध से क्यों नहीं लगता? क्या दूध में घी नहीं है? दूध में घी तो है पर वो तप नहीं है। क्या नहीं है? तप नहीं है। अगर तप होता तो दूध से भी घी दिया लग जाता, पर घी तपता है, निकला उसी से। दूध तपेगा और तपेगा तो घी बनेगा, और घी बनेगा तो उसमें महाराज प्रकाश होगा, वो दिया बनेगा। आचार्य कह रहे हैं महाराज भले ही उससे निकली है, आप भागवत कीजिए। और महाराज एक बात बताना, आप लोग आपने आम का फल खाया होगा, आम की जो बीज होता है उसको लगा दो जमीन में, क्या दूसरे दिन उसमें फल आ जाएगा? नहीं आएगा।
जल डालना पड़ेगा, वृक्ष बनेगा, पत्ते डाली तना और फिर महाराज उसमें फूल आएंगे, फूल आएंगे तो फिर फल आएगा, फल आएगा तो फल जब पक जाएगा और पूरा अच्छे से पक जाएगा तो फिर फल कैसा होगा? मीठा। क्यों? क्योंकि उसमें रस हो जाता है और रस मीठा हो जाता है महाराज, और तो फल अच्छा लगता है। आम, आम तो आम ही होता है, बोलो राधे राधे। अब आम का फल है, अच्छा एक बात बताओ, आम का फल अच्छा क्यों लगता है? उसमें रस है, उसमें रस है इसलिए आम का फल अच्छा लगता है। पर महाराज जो रस उस फल में है वो पेड़ में है कि नहीं है? पेड़ में है। अगर पेड़ में होता तो हम पत्ते क्यों नहीं खाते, हम डाली क्यों नहीं खाते, हम कुछ नहीं फल ही खाते हैं। आम का पत्ता नहीं खाया जाता, आम की डाली क्यों महाराज? कुछ लोग कहते नहीं है, अगर नहीं होता तो फल में कहां से आता? नहीं होता तो फल में कहां से आता? आया तो उसी से। तो यहां आचार्य कहते हैं कुछ रस पत्तों में है, कुछ रस डालियों में है, कुछ रस जड़ों में है, कुछ रस तने में है, और सारा रस इकट्ठा हो जाता है, और सारा रस जब इकट्ठा हो जाता है तो फल बन जाता है और वो फल हमें अच्छा लगता है। इसी प्रकार वेद सब वेदांत सारम, व्यास जी ने महाराज घोषणा की है, सब वेदांत सारम भागवत ही मिश्यते। ये भागवत नहीं है, सब वेदों का सार है महाराज, जो इसको श्रवण करता है नान्य दशदशात कर्म महाराज, उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो भागवत कथा श्रवण कर लेता है उसका कल्याण भगवान कृष्ण कर देते हैं महाराज, बोलो राधे राधे। तो यहाँ बड़ा सुंदर भाव, और फिर आगे कहा है सदा सेव्यम श्रीमद भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चितम समाशय। जो बार बार कथा सुनता है, जो हर बार कथा श्रवण करता है, बार बार कथा में जाकर बैठता है, पहले क्या होता है बोले उसके हृदय भगवान। तो सीधा महाराज प्रैक्टिकल कर लो आप, अगर आपसे कोई कहे कि रोटी, तो मन के अंदर रोटी बन जाएगी, गोल होती है, ऐसी होती है, आ जाती ना मन में। अगर आपसे कोई कहे हाथी, तो मन हाथी बना लेगा, भाई इतना विशाल होता है। आपसे कोई कह दे जो भी कुछ भी, कुछ भी महाराज, उसका नाम लेंगे तो मन उसको अपने आप ही आकृति आ जाएगी। उसी प्रकार हम कथा में जाएंगे और कथा में जाकर बार बार श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, राम 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 राम, राधा रानी बार बार उसका नाम सुनेंगे, बार बार उसका नाम गाएंगे, तो फल क्या होगा? बोले बार बार आकृति आएगी और एक बार ऐसा आएगा कि वो स्वयं आकर बैठ जाएगा महाराज। ये गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी रामचरित सुनिबे को रसिया, हनुमान जी रामचरित सुनिबे को रसिया, जो कथा सुनता है, जो रसिक होता है, फल क्या होगा? सीधा प्रमाण दिया गोस्वामी जी ने, रामचरित सुनिबे को रसिया, फल हुआ राम लखन सीता मन। यही महाराज भागवत कह रही, सदा शिवम सदा शिवम श्रीमद भागवती कथा यस्या श्रवण मात्र हरिचितम समाशयत। जो भागवत कथा श्रवण करता है उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण बैठ जाते हैं, हृदय में बस जाते हैं, बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो राधे राधे। तो यहाँ श्री सुत जी महाराज कह रहे हैं आनंद नामक तट पर सनत कुमार पधारे हैं और सनत कुमारों ने हरिद्वार में आनंद नामक तट पर भागवत कथा बड़े भाव से गाई है। भागवत कथा आरंभ हुई गंगा के किनारे हरिद्वार, और भक्ति कहाँ रो रही थी? किसके किनारे? यमुना किनारे। और कथा कहाँ हो रही है? इसलिए महाराज कहा जाता है पुण्य का जो होता है ना, पुण्य का फल पता, पुण्य की जड़ हमारे मालवा में कहा जाता है पुण्य की जड़। पुण्य कहीं भी करो, कभी भी करो, किसी को पता हो या ना हो, पर पुण्य कहीं भी किया जाए, आप कहीं भी रहोगे तो पुण्य आपके आड़े आ जाएगा महाराज। और पुण्य जब कथा शुरू हुई, कथा का प्रभाव कहा गया है गंगा किनारे हरिद्वार में कथा शुरू हुई, और दुखी कहाँ बैठा है? बोले दुखी वृंदावन में बैठा है। और जैसे ही महाराज कथा शुरू हुई, कथा के प्रभाव मात्र से ज्ञान वैराग्य को चेतना आ गई, पुनः युवान हो गए महाराज, और भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ चलकर हरिद्वार आए और हरि की पेड़ी पर आकर सब संतों के बीच भक्ति आई और ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति ने कथा श्रवण की। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, छह दिन और सातवें दिन तक कथा श्रवण की। और सातवें दिन महाराज सनत कुमार जब कथा कह रहे थे, जैसे ही पूर्णावती की नाम संकीर्तनम का मंत्र पढ़ा और जैसे ही कहा महाराज, उसी क्षण श्री कृष्ण भगवान परम पुरुष परमात्मा योगेश्वर प्रकट हुए और भक्ति ज्ञान वैराग्य के सहित भागवत में प्रवेश कर गए महाराज। भक्ति कह गई जाते जाते, हम सबको एक मंत्र दे गई,
कि मैं तो परमात्मा को मैंने पा लिया है, मैं परमात्मा को मैं पा चुकी हूँ, अब तुम लोग भी अगर तुमको पाना है तो जो मैंने किया वो तुम करना। और भक्ति क्या कह के गई, बोले भक्ति ने एक मंत्र दिया और वो मंत्र ये है क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कहेंगे एक बार राधे राधे। यहाँ बड़ा सुंदर भाव सुजी महाराज कहते हैं, जो भागवत की शरण में आकर बैठता, जो कथा श्रवण करता है, उसके सारे दुख भगवान, उसे कहीं जाना नहीं। महाराज भगवान ने गीता में कहा है ना, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। यहाँ सोचे जो मेरे पास आया है उसे कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं, मेरे पास जो आ जाता है उसके सारे दुख में दूर कर देता हूँ, उसे महाराज परम तत्व की प्राप्ति भी भगवान करवा देते हैं। इस प्रकार सुत जी महाराज ने भागवत में पद्म पुराण में जो कथा गाई गई है उसे भागवत में गाया है और भागवत का महत्व बताया। आगे सुत जी महाराज कहते हैं, एक तुंगभद्रा नदी के तट पर महाराज एक ब्राह्मण रहते हैं, जिन ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। ध्यान से श्रवण कीजिएगा, आत्मदेव ब्राह्मण महाराज, यहाँ आचार्य ऐसा वर्णन करते हैं, आत्मदेव जी कोई फसल बोते हैं ना, फसल बांझ रह जाते, कोई दूध देती हुई गाय लेके आते तो गाय इनके यहाँ दूध देना बछड़ा मर जाता, दूध देना बंद कर देते। कोई पेड़ लगाते, कोई वृक्ष पौधा लगाते, वृक्ष हो जाता बड़ा महाराज, फल नहीं लगता, और इनके यहाँ भी कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी रहते। सब कुछ था पर बेटा नहीं था, और मन में चिंतित रहते, सब कुछ दिया भगवान, एक बेटा और दे देता। कोई पंडित जी बोलते ऐसा करवा लो, वैसा करवा देते। कोई पंडित जी बोलते जब करवा लो, जब करवा दिया। कोई पंडित जी बोलते ये वहाँ हुआ, वहाँ भी हुआ, वही वहाँ गोद भर जाएगी, बोले वहाँ भी हुआ, सब दूर हुआ थे। पर देखिए जो श्रीमती जी थी उनका नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। और जैसा नाम वैसा ही काम, इसका नाम होता है ना शांति, करे क्रांति ना, नाम से विपरीत, नाम भी धुंधली ना काम भी, बड़ी क्रूर महाराज। पंडित जी से कुछ ना कुछ खटपट चलती रहती, हमेशा सुनाती रहती। पंडित जी बड़े सरल शांत, कभी कुछ शिकायत नहीं, ठीक है भगवान की कृपा। रामानंद स्वामी महाराज भगवान का भजन करते तो श्रीमती जी भी ऐसी मिल गई भजनानंदी, दोनों भगवान को धन्यवाद देते, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, ऐसी श्रीमती जी थी जो मैं भजन करता हूँ तो मेरे सहयोग करती है। फिर देखो पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर होता है सर, आपने कई कथाएं सुनी, कई कथाकार सुनिया आवाज में, कोई ने आज तक कहा कि धर्मपति नहीं धर्मपत्नी, क्या क्या कहा जाता है? धर्मपत्नी। क्यों? बोले धर्मपत्नी के हाथ में है, और जो धर्म करती है पता है, और महाराज पत्नी पतन की ओर ले जाए, और धर्मपत्नी खुद भी वैकुंठ जाए, और पति का हाथ पकड़ के पति को भी वैकुंठ ले जाए, उसे धर्मपत्नी कहा जाता है। या धर्मपत्नी जो यहाँ आचार्य कह रहे हैं धुंधली, थोड़ी क्रूर, थोड़ी स्वभाव से थोड़ी, और बेचारा पति दिन भर काम करके आए ना, सांझे आए तो या रोटी तो परसे नहीं, कचरों परस दे। इसलिए बोलो राधे राधे, समझ में आता है आपको? हाँ नहीं देने आखिर में को गुरु जी आज तो आपने बोला को समझ में नहीं आया है ना। राधे राधे। तो गिरिराज जी भगवान की कृपा से महाराज हम कथा क्रम में हैं, और भगवान की कृपा हम सब पे हो, तो आइए
श्री आत्मदेव के मन में बड़ा दुख है कि संतान नहीं है महाराज, और आपसे जो भाव कह रहे थे रामानंद स्वामी के श्रीमती, तो रामानंद जी भगवान से धन्यवाद देते, भगवान आपका बहुत धन्यवाद है कि श्रीमती ऐसी दी कि मैं भजन करता हूँ और ये भी मेरे साथ। और दूसरे भक्त हुए जूनागढ़ में नरसिंह जी, पत्नी मर जाती है तो भगवान से सोच कहते हैं भगवान भलू थयो भागी जंजाल सुखसु बसु श्री गोपाल, अच्छा हुआ बढ़िया भजन तो करूँगा, कोई शिकायत नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया। और तीसरे महाराष्ट्र में श्री तुकाराम जी महाराज, अब क्रूर धुंधली जैसी महाराज, कुछ भी लाते झट से ले लेती, तो फिर भी कहते भगवान अच्छा हुआ कि आपने ऐसी श्रीमती दी, अगर ये अच्छी होती तो मैं आपका भजन थोड़ी करता। बढ़िया, ये दुनिया में मन नहीं लगता मेरा, तो आप में मन लगा हुआ है, अच्छा है। एक बार पंडित जी गए गाँव में, तो किसी पटेल ने पंडित जी का, पंडित जी हमारे खेत जाओ और खेत से खूब सारे और भगवान की राज धरण की जय। बोलो राधे राधे। यहाँ बड़ा सुंदर भाव से सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, तुंग भद्रा नदी के तट पे आत्मदेव ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जी धुंधली श्रीमती है, और धुंधली के संग महाराज एक मन में दुख है कि बेटा नहीं है, बेटा हो तो बड़ा सुख है महाराज, पर बेटा नहीं है, क्या हो, कुछ सब उपाय कर लिए। एक दिन सब दूर से महाराज निराश हो गए, और निराश होकर सोचा इस शरीर को नहीं रखना चाहिए कि जी महाराज जिसके यहाँ महाराज बेटा नहीं हो वो बांझ रहने से अच्छा कि मर जाए, और ऐसा सब जो मन में सोचा ना कि भाई जंगल में मरने महाराज आत्मदा आत्म त्याग करने के लिए, शरीर को त्याग करने के लिए वन में गए। अब वन में गए तो वन में एक संत मिले, और संत जागृत थे महाराज, संत को देखा, संत ने इनको देखा, अरे विप्र देवता ब्राह्मण देव आप इस घनघोर वन में क्या करते हो, आपको डर नहीं लगता? तो पंडित जी बोले महाराज सब कुछ है, कृपा है, पर आज भगवान की कृपा हुई कि आपके इस वन में जंगल में दर्शन हुए, पर गुरुजी एक मन में बड़ा दुख है कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, मेरे यहाँ बेटा नहीं है महाराज, तो आप कृपा करो। संत ने कहा अच्छा है ना बेटा नहीं है, बेटा होता तो जिम्मेदारी बढ़ जाती, बेटे की शादी करना है, बेटे का व्यापार लगाना है, बेटे की नौकरी लगाना है, बेटे का बेटा भी होना चाहिए, वो चिंता भी, वो तो ठीक है ना, बहुत सारी चिंताएं बढ़ जाएगी, तो अच्छा है भगवान ने, कोई बात नहीं, भजन करो, भगवान तीर्थों का भ्रमण करो, संतों की सेवा करो, कृपा मानो भगवान की। और जैसे ही कहा नहीं गुरुजी आप तो सन्यासी लोग, आपको क्या पता गृहस्थ में बेटे का सुख क्या होता, बेटा तो होना चाहिए। बोले नहीं नहीं भगवान की कृपा है तुम्हारे बहाल पर, भगवान ने पुत्र सुख नहीं लिखा है, तुम भजन करो भगवान का। बोले नहीं गुरुजी या तो आप मुझ पर कृपा करो और आपकी कृपा से मेरे यहाँ बेटा होना चाहिए, नहीं तो मैं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा महाराज। और जैसे ही कहा संत महाराज सरल होते हैं, संत किसी को रोता नहीं देखते, और जब संत सरल होते संत ने कहा कोई बात नहीं ठीक है। एक फल लिया और फल लेकर गुरुजी ने ब्राह्मण को महाराज पंडित जी को दिया और कहा तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान इदं भक्ष्ये पत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति ही। लो ये फल ले जाओ, फल अपनी श्रीमती जी को खिलाना, हरि की कृपा होगी, हरि की कृपा से, संत कौन जो कहे उसकी कृपा से होगा, यानी कि मैं दियो संत वो माना जाता है। बोलो राधे राधे। तो यहाँ हरि की कृपा होगी और हरि की कृपा से तुम्हारे यहाँ एक पुत्र प्रकट होगा, लो ये फल ले खिला देना। यहाँ तक सब ठीक रहा, घर आए श्रीमती जी धुंधली से महाराज वो फल दिया, और जैसे ही फल दिया कहा इसे खा लेना, गुरु जी की कृपा हो जाएगी और गुरु जी की कृपा से हमारे यहाँ पुत्र भी होगा। अब फल लिया, श्रीमती जी का नाम था धुंधली, जैसा नाम वैसा स्वभाव, स्वभाव भी धुंधला था। इसने मन में विचार किया ये फल महाराज ने दियो है, मंत्र पढ़ के दिया है, भभूत भी लगाई हुई है इसके ऊपर, भभूत समझते हो ना, भस्मी भी लगाई हुई है इसके ऊपर, अगर इस फल को खा लूंगी और मैं पागल हो गई तो, और अगर मान लो खा लिया और पागल नहीं हुई और मरी गई तो, इसे इसके मन में विचार आ रहा है क्या करूं, खाऊं कि नहीं खाऊं। और फिर दूसरे दिन सोच रही है अगर खा भी लिया और अगर मेरे यहाँ संतान सुख हुआ भी सही तो प्रसव के समय पीड़ा हुई और उसमें मर गई तो, फिर तो हरी ननन मारो सारो धन है ना, ये भागवत में लिखी हुई बात है। तो
तर्क महाराज अलग अलग तर्क कर रही है, मेरी पड़ोसन मेरा सारा धन ले जाएगी, वो मेरा सारा धन खा जाएंगे, मेरा क्या होगा, मेरे धन का, मेरे वस्त्रों का, सब ऐसा विचार कर रही है। फल नहीं खाया, 3 दिन हो गए, 4 दिन, 5 दिन, संयोग बस इसकी बहन आई छोटी। छोटी बहन ने बस, जीजी उदास क्यों है, सुख गई चिंता, किस बात की चिंता है तुझे, सारी बात बता दी, जीजाजी फल लाए हैं खिलाने को दिया है, मैं खा नहीं रही। बहन ने कहा जीजी कोई बात नहीं, मत खा, ये फल गाय को खिला दे, मेरे यहाँ पुत्र होने वाला है, मैं मेरे पति से कह दूंगी थोड़ा धन तू दे देना, वो मान जाएंगे, मैं मेरा बेटा तुझे दे दूंगी। बड़ी प्रसन्न हो गई दुंदली, ब्राह्मण से कह दिया फल खा लिया, गाय को खिला दिया फल, और महाराज 1 महीना 2 महीना 3 महीना ब्राह्मण से महाराज ये धुंधली दिखावा करने लगी। ब्राह्मण से कह दिया, पंडित जी ने कहा मेरी सेवा करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, तो मेरी छोटी बहन मेरे साथ ही रहेगी, और इस प्रकार ये दिखावा करने लगी। और महाराज अच्छे सन का फल हुआ गोकर्ण, जो गाय को फल खिलाया था ना, उसी गाय के यहाँ एक पुत्र प्रकट हुआ, बस कान उसके गाय की तरह थे, बेल की तरह थे, तो महाराज जिसके कान बेल की तरह या गाय की तरह थे उसका नाम रखा गया गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की अच्छे संघ का फल था गोकर्ण, और बुरे संघ का फल पुत्र हुआ महाराज, बहन छोटी को दिया धुंधली को, धुंधली के हाथ में जब पुत्र आया बड़ी प्रसन्न, मारे चलो जन मारे चलो। अब पंडित जी ने कहा कोई विद्वान को बुलाएं, कोई आचार्य को बुलाएं, वो नामकरण करेगा। बोले कौन होए महाराज, महाराज नामकरण नहीं करेंगे, मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा खुद ही। अब बढ़िया महाराज धुंधकारी भी हो गए। अब क्रेत कालो न तू जातो तरुणो तनया गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। क्रियत काले ने तो जादो तरणो तनिया, समय बीता, समय बीतने के बाद गोकर्ण जी बड़े विद्वान पंडित भगवान के भक्त हुए, और ये गोकर्ण बड़ा दुष्ट हुआ। अब दुष्टों का संग छोड़ देना चाहिए, गोकर्ण जी ने संग छोड़ दिया, तीर्थाटन चले गए। बीच में आत्मदेव ने कहा तू कितना ज्ञानी है, अपने भाई को नहीं समझाता। गोकर्ण जी ने कहा असार खलु संसार, पिताजी कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, आपकी जिम्मेदारी थी, अब जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब आप भगवान का भजन कीजिए। आत्मदेव जंगल में भजन के लिए निकल जाते हैं, गोकर्ण जी भी भाई का साथ छोड़ देते हैं, अब बचा कौन है, धुंधली और धुंधकारी। सुनना यहाँ आचार्य कहते हैं कभी भी माताओं को अपने बेटे के लिए पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। कुछ लोग भरत बोल चुके, छोरों ने माँ अलग ने बेचारा डोकरा बा अलग, कोई नहीं सुने, पर ये बहुत गलत है, बाद में फिर अकेले रोना पड़ता है। आत्मदेव जी चले गए, और आत्मदेव चले गए या धुंधली को वही बेटा पीटने लगा महाराज, धन ला के दे, धन ला के दे, पिताजी ने बहुत सारा धन दिया है ना, राधे राधे। पुत्र के दुख से दुखी होकर महाराज इसने अपने घर के आंगन में हुआ हो, द्वारिकाधीश भगवान की राधे राधे। आंगन में धुंधली ने कुएं में प्राण त्याग दिए, और धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, घर में महाराज 5 वेश्याओं को रखने लगा, और चोरी करके लाता उनका उदर 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 भरण करने लगा, और जब उदर उनका पोषण करने लगा, एक दिन राजा के यहाँ से चोरी करके लाया, इन आया अपने का मतलब तो पक्का भगत है नहीं महाराज, हाँ ठीक है राधे राधे। तो यहाँ दो कारण है गोकर्ण जी महाराज, यहाँ आचार्य ऐसा कहते हैं गया जी में मुक्ति क्यों नहीं हुई, गया जी में तो मुक्ति हो जाती है, गया महाराज श्राद्ध गया जी में पिंड करने के बाद जीव की गति हो जाती है, तो धुंधकारी की गति क्यों नहीं हुई। पहली बात आप सब लोग जानकार हैं, आप सब लोग जानते हैं, भागवत पुराण कथा कहती है, भागवत कथा कहती है महाराज, ये सुखदेव जी की जो कथा है ये भागवत कथा कहती है महाराज, जिसके यजमान परीक्षित जी महाराज वो कथा कहती है कि गया जी मुक्त करती है, पर महाराज आप जब पूजा करते हो ना तो भागवत कथा कहती है कि पहले पंडित जी हाथ में जल देते हैं, क्या देते हैं जल, और फिर कहते हैं नाम बोलो, फिर अपना गोत्र बोलो, और गोकर्ण जी ने गया जी में नाम बोला और फिर गोत्र भी बोला, और गोत्र बोला तो किसका गोत्र बोला, आत्मदेव जी का, किसका गोत्र बोला आत्मदेव जी का। अब ये धुंधकारी किसका बेटा था,
पहला कारण कि महाराज अगर उस उनका गोत्र बोला होता किनका मौसा जी का मासी ने मौसा जी है अगर उनका गोत्र बोला होता तो धुंधुकारी पार हो जाता पर उनका गोत्र नहीं बोला हो तो गोकर्ण जी तो आत्मदेव जी के बालक तो उन्होंने महाराज बोला कि मैं अपने पिताजी का गोत्र लेकर बोलता हूँ कि मेरे कुल में जितने पितर हैं सब सबकी गति हो जाए अब सबकी उनकी गति हो गई ये रह गए और दूसरा कारण धुंधुकारी इतना दुष्ट था जो अपनी माँ को पीटे महाराज उससे बड़ा दुष्ट कौन हो सकता तो ऐसे खलों की गति वहां भी नहीं होती है कि नहीं लोग गंगा जी जावे क्यों जावे नहावा जावे नहावा क्यों जावे महाराज बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे यमुना मैया की। तो यहाँ महाराज दूसरा कारण यह है कि बड़े इसने अधम था बड़े पाप किए थे इस कारण भी इसकी गति नहीं हुई तो गोकर्ण जी महाराज से इसने प्रार्थना की मेरी गति का कोई कल्याण का कार्य कीजिए। गोकर्ण जी अपने गुरु जी सूर्यनारायण भगवान के पास गए। सूर्यनारायण ने भागवत कथा कराने को महाराज भागवत कथा वाचन के लिए कहा और गुरु जी की आज्ञा मानकर गोकर्ण जी भागवत कथा गांव में रखते हैं। भागवत कथा का वाचन शुरू करते हैं। भागवत कथा आरंभ हुई। सब गांव वाले कथा सुनने आए भाई जो रसिक है वो तो कथा सुनने आएगा गाँव वाले कथा सुनने आए। अब प्रेत कहाँ विराजे प्रेत बैठ सोच रहा है कि मैं बैठ जाऊँ भाई प्रेत रुक नहीं सकता है। सात घाट वाला बांस रखा था दास के जाकर बैठा पहले दिन पहली सीढ़ी चढ़ा दूसरे दिन दूसरी सीढ़ी तीसरे चौथे पांचवे छह और सात भगवान के द्वार पे भी सात सीढ़ियां हैं और महाराज जो सात सीढ़ियां चढ़ जाता है भगवान को पा जाता है। सातवें दिन सातवीं सीढ़ी चढ़ा सातवीं गांठ चढ़ा और सातवीं गांठ चढ़ते ही महाराज वो प्रेत भगवान का पार्षद हो गया और सातवें दिन भगवान का पार्षद बन के भगवान को धाम को चला गया। महाराज धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपी तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद ये भागवत कथा धन्य है कि तीर्थों में भी जाकर जिसकी गति नहीं होती वो भागवत कथा में आकर अगर बैठ भी गया और भागवत कथा में अगर महाराज जहाँ कथा हो रही है वहां भी अगर महाराज वो बैठ भी गया है सुन भी लिया तो धन्य है भागवती वार्ता कि इस भागवत कथा ने उस प्रेत की पीड़ा भी दूर कर दी जिस प्रेत की गया जी में मुक्ति नहीं हुई थी और धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपी तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद उस प्रेत को भी भगवान कृष्ण का गोलोक धाम मिल जाता है। बोले गोकर्ण जी महाराज की सुनना हमारे पास भी सात दिन है ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का आपको जप करना है। कौन सा मंत्र है वासुदेवाय और दूसरा ये है मनसा वाचा कर्मणा हमेशा प्रसन्न रहना है मुंह नहीं चढ़ाना है ना। भगवान की भक्ति का पहला सूत्र है प्रसन्न रहो हंसते रहो महाराज ठीक है मुंह नहीं चढ़ाना कोई कुछ भी कहे अपने प्रति उत्तर नहीं करना है मनसा वाचा करुणा तीनों दोषों से बचना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है। गिरिराज जी भगवान की कृपा हम पर है और आनंद कृपा है तभी प्रसन्न रहना हो प्रसन्न रहना और हो सके तो एक समय फलाहार। वैसे तो सुखदेव जी ने कथा कही थी और परीक्षित जी ने कथा सुनी थी तो परीक्षित जी महाराज ने एक आसन पर सुनी थी सात दिन और छह रात कितने दिन सात दिन और छह रात कथा सुनी थी। अब ना तो जल पिया था ना ही प्रसाद खाया था तो ऐसा कर सको तो बहुत ही अच्छा है और ऐसा नहीं कर सको तो एक सात दिन में एक बार कुछ खा लेना है ना सात दिन में एक बार कुछ खा लेना और सात दिन में एक बार भी नहीं चल पाए तो रोज कुछ ना कुछ खा लेना एक समय और एक समय भी नहीं तो सुबह फलाहार कर लेना शाम को भोजन कर लेना और अगर ऐसा भी नहीं कर तो तीन बार भोजन कर लेना पर कथा पूरी सुनना साथ है ना। ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि युग धर्म के हिसाब से है ना युग का धर्म है तो युग के धर्म तीन बार चार बार जिमो पर कथा सुनो बोले द्वारिकाधीश भगवान की सात दिन की कथा है और सात दिन की कथा है। पंडित जी शादी कराते तो सात ही फेरे होते हैं बार भी सात ही होते हैं भैया वृंदावन से ही पधारे हैं और इनके संगीत के स्वर भी सात ही है महाराज और सुनना साहब कथा के दिन भी सात हैं संगीत के स्वर भी साथ हैं वार भी साथ ही है फेरे भी पंडित जी साथ ही कराते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा कितने कोस की है और भगवान ने कितने दिन उठाया पर्वत सात दिन और महाराज हमारा भी ये जीवन सात दिन का है कितने दिन का है और जो अपने इस जीवन का कल्याण करना चाहता है उसके लिए सात दिन ही खूब होते हैं महाराज और सात दिन अर्थात गुरुजी कहते हैं गुरुजी ऐसा कहते हैं भाई रविवार को जन्म हुआ सोमवार को बड़े हुए मंगलवार को ब्याह हुआ और बुधवार को बच्चे हुए गुरुवार को बीमार हुए शुक्रवार को अस्पताल गए शनिवार को राम नाम
यही जीवन है और 7 दिन में जीव चाहे तो कल्याण अपना कर सकता है। बोले भक्त वसल भगवान की। आइए आज कथा हम अपन शुरू थोड़ी देरी से शुरू हुई क्योंकि कारणवश हमारा समय प्रथम दिन था और प्रथम दिन में बहुत अच्छी व्यवस्था बहुत ही सुंदर आप लोगों ने कलश यात्रा महाराज निकाली और भगवान की बहुत ही सुंदर महाराज कृपा रही, बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर और भगवान की कृपामय महाराज कलश यात्रा निकली। तो पहले तो सारस्वत परिवार को उसकी शुभकामनाएं, भगवान की खूब कृपा है आप लोगों पर। दूसरा, आप लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, स्वयं साक्षात गिरिराज जी भगवान विराजमान है और आप लोग श्रवण कर रहे हैं। और तीसरा, भागवत कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज अठीने में कथा ने विराम करता हूँ, कल समय महाराज 1 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और उसके बाद महाराज आप सब लोग 1 बजे तक फ्री हो जाना है, सब कार्यों से दर्शन वगैरह भी करने जाओ तो 1 बजे आपको कथा में आना है। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, हरि बोल 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 हरि बोल
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कीर्तन की जय नमः पार्वती पते भैया आदरणीय सर हरिओम जी आदरणीय श्री किरण जी शास्त्री जी आदरणीय श्री करण भैया आदरणीय हमारे जो झाबुआ से भाई साहब पधारे हैं और आदरणीय धन्नड़ से पधारे महंत जी और सभी भाजियों जो झाबुआ से जो बड़ौदा से पधारे हैं सभी भाजी साहब को सभी लोगों पूरे परिवार को शास्त्री परिवार को देखो शारस्वत परिवार कथा करवा रहा है और शास्त्री परिवार कथा श्रवण करने आया है और ठाकुर जी की कृपा है और ठाकुर जी की कृपा में हम सब ठाकुर जी को प्रणाम कर सारा पुण्य भगवान के चरणों में अर्पण और सारा पुण्य भगवान के चरणों में अर्पण कर महाराज अठी ने कथा ने विराम करा मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में जो हमारे आदरणीय यजमान हैं श्री प्रिव्रत जी शर्मा साहब बाबूजी एवं जो अतिथि हैं महाराज आदरणीय भैया श्री सत्यप्रत जी शर्मा जी सरस्वत साहब आप आरती के लिए आगे आ जाइए सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाइए महाआरती में हम सब चलें राधे भक्त वसले भगवान की जय भक्त और भगवान की जय श्री भागवत भगवान की है आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही जग के मंग जय हो सावजियों है से सावजियों है से तुम्हारी राधा जी से तानी सावरियों गे से तुम्हारी दादा जी से तारी क्या तो जाने दुनिया सारी रे सावरियों गे से सावरियों गे से तुम्हारी दादा जी से तारी सावरियों गे से
सावरियो हे से सावरियो हे से हिमाली राजा जी से तानी सावरियो हे से सावरियो ये बात हो सावरियो हे से हिमाली राजा जी से तानी या तो जाने दुनिया सारी रे सावरियो हे से जय हो ठाकुर जी महाराज की भजन को जिसने भी लिखा बिल्कुल सच्ची बातें और सच्चे शब्द लिखे कहा हो राजाओं के राजा महारानी की रानी श्री मारे मुक्ति साचे छोड़ी बड़ी प्यारी परिवार के प्यारो राधा के संगीरा से ओ सुनले सोने पल में से सुनले पल में से सुन ले पल में से तानी रे सुन ले पल में से सुन ले पल में से सुन ले पल में से तानी या तो जाने दुनिया सारी रे सावरियो हे से सावरियो हे से तिमारी राजा जी से तानी रे सावरियो Oh